हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो? बढ़िया हो? कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बिल्कुल अच्छी चल रही है। चलनी भी चाहिए, जबरदस्त चलनी चाहिए, जोरदार चलनी चाहिए, धुएंदार चलनी चाहिए, खतरनाक चलनी चाहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी चलनी चाहिए। क्योंकि आंखों में यार मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल है या आसान है, ठान लिया तो ठान लिया, ठान लिया है आपकी बार सरकारी नौकरी पा लानी है, ठान लिया है कुछ भी हो जाए 2024 में जो एनिमल अटेंडेंट में एक सीट तो अपनी बनानी है। तो बिल्कुल आपकी उस एक सीट को पक्की करने के लिए सुबह के 6:15 बजे मैं आपके बीच में हाजिर हूं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपूत, उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। तो अब जो एनिमल अटेंडेंट की फॉर्म डेट भी आ चुकी है, एग्जाम भी लगभग कंफर्म सा हो चुका है, हर चीज क्लियर है, ठीक है। लेकिन एक चीज क्लियर कैसे करें? सारा टॉपिक की तैयारी, क्योंकि इतने अभ्यर्थी है ना, लाखों में फॉर्म भरे जाएंगे, हर कोई सेलेक्ट होना चाहता है, लेकिन हर कोई क्या स्पेशल कर रहा है, अपने आप को कैसे संयमित रख रहा है, कैसे बड़ी सर्दी के अंदर भी सुबह उठ के यहाँ पर है ना यूट्यूब पे पढ़ रहा है और उसके बाद रेगुलर नोट्स बना रहा है, उन नोट्सों से अपने आप को इतना शार्प कर रहा है कि उसको आधी रात को भी कुछ पूछ लिया जाए तो उसको आता है, ऐसी कुछ तैयारी हो है ना तो आप जबरदस्त हो। और आप यूं राम भरोसे चल रहे हो, थोड़ा सा कुछ पूछा अरे हाँ यार वो यार ना यार नथिंग, आपको आना ऐसा चाहिए कि आधी रात को आपको पूछ लिया कि बताओ बेटा चंद्रभागा पशु मेला जो है उसकी डेट क्या है, तिथि क्या है। अब उसमें कोई सोचे चंद्रभागा चंद्रभागा कहाँ भागा है ना, चंद्र तो भाग गया गोमती को लेकर, लेकिन फाइनली ऐसा चंद्रभागा, सर चंद्रभागा की डेट मैं आपको बताता हूँ, कार्तिक की एकादशी से लेकर मार्गशीर्ष की पंचमी तक। सर ऐसे थोड़ी आता है, ऐसे आना चाहिए। यदि आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों जबरदस्त आते हैं और इतने इंटेलिजेंट बच्चे इसमें बैठने वाले हैं कि कट ऑफ आप मान के चलो 110 के आसपास रहने वाली है, 150 में से 110-15 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। क्यों? क्योंकि नो डाउट एनिमल हस्बेंड्री नया है, टफ है, लेकिन आपके लिए नया है। कई ऐसे बच्चे हैं है ना, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो तैयारी करें उनको ये सब याद है ना, LSA पशुधन सहायक परीक्षा में 1.5 लाख बच्चा बैठता है उनको सब याद है, यानी कि 3 से 4 लाख ऑलरेडी लोग बहुत इंटेलिजेंट है। पहले आपको उनको बराबर आना पड़ेगा या उनसे 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको पार्ट ए में भी जो साइंस और मैथ जैसे हार्ड अलग सब्जेक्ट है उन पे भी एक जबरदस्त आपको कमांड बनानी चाहिए। आपको बोला निकट दृष्टि दोष क्या होता है, उसमें कौन से प्रकार का लेंस यूज करते हैं, तो आप सोचे निकट दृष्टि उत्तर में उत्तर आ जाना चाहिए। आप सीधा बोलो निकट दृष्टि दोष, निकट की दृष्टि सही नहीं होती है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस के प्रयोग करने से व्यक्ति को सही दिखना चालू हो जाता है। दूर दृष्टि दोष जो है उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं और उसके अंदर क्या रहता है, दूर दृष्टि दोष में दूर की दृष्टि सही होती है उसमें उत्तल लेंस यूज करते हैं, ऐसे मतलब खटाखट अडेकर सटासट जब आपका उत्तर आने लगेगा, जब आपको चीजें आने लगेगी तो समझ आना सिलेक्शन आने लगा है। और यदि सोचना चालू कर दिया तो भैया परीक्षा में जो सोचता है उसका सिलेक्शन नहीं होता है। कुल मिला के आप अपने आप को इतना तैयार करो, इतना तैयार करो, एक बार तो भगवान कह देगा हाँ यार इसका सिलेक्शन हुआ तो बेईमानी हो जाएगी। तो ऐसे कुछ जोश कंटेंट्स, सही मायनों में कंपटीशन की तैयारी, ऐसी कुछ बातें आपको लगातार परीक्षा तक दी जाएगी है ना, और आप भी लगातार मेहनत करेंगे मेरे साथ। भले संडे हो, आज उत्कर्ष की पूरी छुट्टी है, कल भी पूरी छुट्टी है, हर बैच की छुट्टी है, लेकिन 6 बजे जो अपनी क्लास है उसकी छुट्टी नहीं है। तबीयत खराब है, बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर से जुनून कह रहा है कि नहीं यार छुट्टी नहीं करेंगे यार, जब सिलसिला चलाया है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी वजह से मुझे आपके प्यार ने खींच के लाया, बाकी मैं भी आज मैंने कहा यार आज तो सोते हैं यार, रेस्ट करते हैं यार है ना। पहले मैंने ऑफ भी करवाया था, आपको बोला भी था, लेकिन फिर वापस एक आवाज आई अंदर से नहीं ऑफ नहीं करेंगे, संक्रांति मनानी है, पूरा दिन पड़ा है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर सुबह सुबह आते हैं उनके लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो इस प्यार के खातिर, इस स्नेह के खातिर, इस दिल के खातिर एक बार सभी जने फटाफट क्लास को शेयर कर दो, और आप लोगों ने जो अथाह प्यार दर्शाया है पिछले 1 महीने में उसको बरकरार रखो और आगे बढ़ो तो और आनंद आए, ठीक है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो 21 यूनिट में से एक यूनिट है पशु मेले, ठीक है। पशु मेले किस प्रकार से हैं? अब मेले कहने को तो लो ये रहे, मैं आपको आधे घंटे में निपटा दूं, आधे घंटे में बलदेव पशु मेला ये है न, मल्लीनाथ पशु मेला ये है न ये, लेकिन ये टेबल तो आपको कई किताबों मिल जाएगी, ये टेबल तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन इस टेबल को यहाँ खोपड़िया में कैसे फिट कर रहे हैं, इसको यहाँ दिमाग में कैसे फिट करें, उसके लिए जो है आपको अभी लगभग आज कोई क्लास नहीं, आराम से 7:30-8 भी बज जाए तो कोई गम नहीं है, ठीक है। लेकिन आज पशु मेला आपकी खोपड़ी में फिट करके जाऊंगा मैं,
आज के बाद परसों मिलो हम आपके सामने कोई टिक जाए है ना, तो मान जाना ना तो काम मैंने किया है ना आपने किया है, और नहीं आ जाओ परसों मिलो में जिसको भी हिम्मत है जो पूछना है ठीक है। हाँ तो लेट बी स्टार्ट द परसों मिले, ये लिस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा लास्ट में है ना, इससे पहले जो है मैं आपको सारा कुछ ये देखो ये लिस्ट आपको लास्ट में बताऊंगा जब पूरा खत्म कर दूंगा, ये पहले इन 10 को पूरा मैं अपने स्टाइल में याद कराऊंगा है ना। हाँ बिल्कुल ये भी आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले मैं आपके साथ जमकर एक घंटे एकदम लिखित में कार्य करूंगा, एकदम लिख लिख कर मेहनत करूंगा, याद कराऊंगा, फिर वो टेबल बताऊंगा। चलो तैयार हो क्या भाई? अरे बोलो तैयार हो क्या? लाओ पेन कॉपी, तुम भी फटाफट पेन और कॉपी लेके आओ और चेहरे पे कॉन्फिडेंस रखो। यदि नींद आ रही है तो आंखों में छापके, मैं खुद 2-3 बार पानी के छापके मार के आया हूं तो भी नींद आंखों में है, आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, ये टाइम है कुछ पाने का, इसे खोना नहीं है ठीक है। तो पेन कॉपी लेके बैठो और एक आदर्श क्लास में जैसे विद्यार्थी बैठता ऑफलाइन में उसी प्रकार से अगले एक घंटे सवा घंटे मेरे साथ में बिताना है। तैयार हो क्या? अरे बोलो रेडी हो क्या? है ना, आज अनेकों अनेक देवता तेजो जी गगो जी सबकी जयकारा भी होगा, सबको याद करेंगे, दिल से याद करेंगे ताकि उनका आशीर्वाद मिले सुबह सुबह। तो लेट बी स्टार्ट द पशु मेले। पशु मेले जो है, कितने पशु मेले हैं रजिस्टर्ड? 10 पशु मेले हैं है ना, जिसको पशुपालन विभाग जो है वो संचालित करता है, जिस पशुपालन विभाग ड्यूटी देता है उसके अंदर से सबसे फर्स्ट आपको यहां पर जो मिलता है वो मिलता है बलदेव पशु मेला। कौन सा मिलता है भाई? बलदेव पशु मेला। ढंग से अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा लेकिन मजा भी आएगा, आनंद बहुत आने वाला है इस कक्षा में। आज बलदेव पशु मेला सुनो, सबसे पहले याद कैसे करें? बल, जिस देवता में बल होता है, जिसमें भी होता है, आप में भी थोड़ी सी ताकत हो, बॉडी हो, तो घमंड तो आ ही जाता है ना, मैं आ जाती व्यक्ति को। हाँ तो जिस देवता में बल है, जिसमें बल है उसे थोड़ा मैं आ जाती है, मेड़ता चला जाता है। तो जिसमें बल है, जिसमें बल है ना, उसमें थोड़ा मैं है, मैं समझता हूं ना, घमंड, मेड़ता। और मेड़ता का है नागौर में, नया अपडेट जीके में भी नागौर है। तो जिसमें बल है देव में, जिसमें बल है उसको थोड़ी मैं है, घमंड आ जाता ना, ताकत। जैसे कोई जिम में जाता है बॉडी बिल्डर ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो थोड़ा यूं चलता अलग, सलमान खान स्टाइल में, वो थोड़ा खुद को संजू भाई और थोड़ा ताकतवर समझता है ठीक है। हाँ तो जिसमें बल है उसमें मैं है, जिसमें बल है उसमें मैं है। चलो दूसरा आता है इसमें साहब, कौन से यहां पर पशु है ना जाएंगे? तो नागौर में कौन से हैं? नागौरी पशुओं के लिए प्रसिद्ध है ये, नागौरी नस्ल के पशु अधिक आते हैं। वैसे तो यहां पे कोई भी आए तो मना नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा आते हैं ठीक है। अब तिथि भैया, ये सबसे खतरनाक है, सुनो। जो अपने फाल्गुन पे हिंदू वर्ष खत्म होता है, आपको पता होगा सबको, होली पे है ना खत्म हो गया। अब उसके बाद में आता है चैत्र। क्या आता है? चैत्र। तो ये चैत्र में प्रतिपदा यानी कि एकम से लेकर 15 दिन तक ये चलता है। तो चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम, ढंग से सुनना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी कि एकम से लेकर ये पूर्णिमा तक यानी 15 दिन तक ये पशु मेला बढ़ता है। तो चैत्र प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र में भी क्या है? शुक्ल है, कृष्ण है, ये है। तो ये चैत्र शुक्ल, शुक्ल पक्ष कब आते हैं? अमावस्या के बाद में। अमावस्या आता है चैत्र की, चैत्र के अमावस्या आता है, उसके बाद चैत्र ना चैत्र शुक्ल एकम जिसे बोलते हैं प्रतिपदा, इसी दिन से नव वर्ष भी चालू होता है ठीक है। हाँ इसी दिन से नववर्ष, हिंदू नववर्ष भी चालू होता है। हाँ एकम से ये आपके जाता है चैत्र की शुक्ल पूर्णिमा तक है ना, पूर्णिमा पर ये महीना खत्म हो जाता है, फिर आ जाता है नेक्स्ट वैसाख है ना, चैत्र वैसाख ज्येष्ठ अषाढ़ याद है ना। हाँ आज ये मान लो कि मैं तुम्हें जीके पढ़ाना आया हूं और बता देना मुझे मैं जीके कैसा पढ़ाता हूं। यदि अच्छा पढ़ाता हूं तो मैं जीके कल्चर भी पढ़ा दूंगा, यदि अच्छा पढ़ाता हूं तो मैं साइंस भी पढ़ा दूंगा ठीक है। हाँ बढ़िया है। हाँ तो बलदेव जी है, बलदेव जी है, जिसमें बल आता है उसमें थोड़ी मैं आ जाती है, और वो फिर अपने चित्र बनवाता है, चित्रकार को बोला बनाओ मेरा चित्र, ऐसे बॉडी बने, ऐसे बॉडी बने, होते ना पोज, ऐसे ऐसे पोज देते, यूं अल्ले अल्ले
अल ऐसे, ठीक है। तो उन्होंने अपने चित्र बनाए, है ना, बलदेव जी ने क्या बनाए, चित्र बनाए। और बलदेव जी शुक्ल गोरे थे, काले थे, बलदेव जी तो गोरे थे लेकिन उनके भाई श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण कौन से थे, किशन जी। बलदेव जी बड़े थे, किशन जी छोटे थे। तो बलदेव जी आ गए, अब पीछे पीछे आए कौन से, कृष्ण जी। कृष्ण जी का अवतार कौन सा है, मल्लिनाथ नहीं है तो अपन को मानना है, ठीक है। तो यह है बलदेव पशुमेलो की कहानी, जिसमें बल है उसमें मैं है, जिसमें बल है उसमें मैं है, मैं से मेड़ता, मेड़ता नागौर, नागौर जो है, नागौर जो है वह नागौरी पशु मिलाएंगे। और बलदेव जी ने अपना चित्र बनवाया और चित्र बनाने में 15 दिन लगे और पूर्णिमा पर उनको बोला लो साहब आपका फोटो, और ऐसे ऐसे अलग अलग बॉडी वाला फोटो। क्या आपको याद आ गया क्या? हाँ, अरे बोलो याद है क्या? हाँ। तो ये बलदेव जी की कहानी, 10 कहानियां अपने दिलो दिमाग में एकदम बैठानी है, 10 कहानियां अपने दिलो दिमाग बैठानी है, ठीक है, और उसके बाद आपका काम पक्का है। तो साथ साथ बताने चाहिए कि हाँ कि साहब ये बलदेव पशु मेला रेडी हो गया। अरे बोलो हाँ साहब ये तो हुआ। अब सुनो, बलदेव जी के छोटे भाई कौन थे, किशन जी। किशन जी कैसे थे, काले थे। किशन जी कैसे थे, काले थे। अब किशन जी को अपन मानते हैं मल्लिनाथ जी का अवतार, हालांकि मल्लिनाथ जी अपने अलग है लेकिन अपन उनको कनेक्ट करते हैं कि मल्लिनाथ जी किशन जी के अवतार थे। ये आए एकम को और इनके 10 दिन बाद 11 को आएंगे कौन से, मल्लिनाथ जी। मैं बहुत तगड़े मूड में हूं, हालांकि थोड़ी सी तबीयत खराब भी है लेकिन मैं अपने जुनून और याद करने पे उस तबीयत को हैवी नहीं होने दूंगा। यदि आप ढंग से सुन भी लेंगे ना तो भी आपका काम पक्का है। मल्लिनाथ पशु मिला, ठीक है। अब देखो, पहले सबसे पहले इसमें 3 जगह याद रखनी है। मल्लिनाथ पशु मिला है, इसमें 3 याद, जैसे है ना, मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली, तल्ली से तिलवाड़ा, मल्ली तल्ली, तल्ली तल्ली में लीक वाला ई आगे रखना, तल्ली आगे रखो, तिल तिलवाड़ा, मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली। ये लो साहब, मल्ली हो गया तल्ली, किसी ने मल्ली को तल दिया, मारने कहते हैं साहब मल्ली को तड़ा बेटे ने, छिड़ा छिड़ा की है मल्ली तल्ली। अब तिलवाड़ा जो है बालोतरा से 15-20 किलोमीटर दूर जगह पर है, ठीक है, जो नया जिला घोषित किया गया बालोतरा। तो अभी नया जीके जो है अपडेट और अपग्रेड है उसमें बालोतरा है। जो पेपर हुए अभी, एक प्रोफेसर का पेपर हुआ ना, उसमें पुराना ही जीके आया, तो आपको पुराना वाला भी ध्यान रखना है। नए के चक्कर पता चला है ना, पुराने वाले को भूल गए, लफड़ा हो जाएगा भैया। हाँ, नया भले ही याद करो लेकिन बाड़मेर में याद करना, पता चला अपने यहां पर है नहीं। लेकिन निश्चित रहो मैंने किसी जगह ढील नहीं रखी है 1% भी। तो सर इसको कैसे याद करोगे, आओ इधर कंटिन्यूस। मल्ली तल्ली, मल्ली बाबा, ये कौन है, मल्ली बाबा, ये देखो बाबा, बाबा कौन से बाबा है, मल्ली बाबा। और मल्ली बाबा जो है धुनी ताप के बैठ गए और कथा कह रहे हैं किसको, भक्तों को। सुनो भक्तों सुनो, मल्ली बाबा, मल्ली बाबा आराम से बैठ गए हैं और कथा कह रहे हैं। कथा से क्या है, कथा से है कौन और थार पारकर। इसमें जो है कॉन्क्रेज, कॉन्क्रेज और थार पारकर नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं। थार पार कर, कॉन्क्रेज थार पारकर नस्ल के पशु अधिक आते हैं। हालांकि कोई और भी आए तो मना ही नहीं, ऐसा थोड़ी है कि आप नागौरी ले गए तो बोला अरे नागौरी कैसे लेके आ रहे यहां पे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ले जा, लेकिन वहां बाड़मेर है तो थार पार कर तो वैसे ही है और उधर से कॉन्क्रीज भी आ जाता है, तो ये पशु अधिक मिलते हैं। अच्छी कॉन्क्रीज, अच्छी थार पार कर चाहिए तो आप यहां पे जाओ। देखो हर एक चीज को याद करते हुए चलना है, ठीक है भाई। मैं सुबह सुबह यदि क्लास ले रहा हूं तो उसका कुछ प्रभाव आना चाहिए, कुछ मुझे सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, कुछ आपको सेटिस्फेक्शन आना चाहिए, कुछ माहौल में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। हां, बंदे ने मेहनत की है और मैं भी बोल सकता हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थी ने मेहनत की है। तो भैया देखो, अच्छे भाव से बैठना, अच्छी नीयत से बैठना, सिलेक्शन के लिए खाली पड़े जरूरी नहीं है, एक अच्छा भाव भी जरूरी है, एक श्रद्धा भी जरूरी है। और आज तो देवता ही देवता आने वाले हैं, तो जिसमें श्रद्धा है देवता को सीधा आशीर्वाद मिलने वाला है। तो मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली, तल से तिलवाड़ा और मल्ली बाबा, मल्ली बाबा कथा कहते हैं बाबा, बा से वलत्रा, मारवाड़ी कहते हैं ना, वलत्रा, वलत्रा कहा गया था, वलत्रा
बालोत्रा वाले बालोत्रा कहते हैं, बाबा बालोत्रा और बालोत्रा नहीं तो बाड़मेर, और मल्ली बाबा कथा कहते हैं कांग्रेस थार पार कर। अब सुने, मैं यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहां पे मानता हूं मल्लिनाजी कृष्ण जी का अवतार थे, मैं मानता हूं और मान सकते मल्लिनाजी कृष्ण जी का अवतार थे। तो पहले आए बलदेव जी एकम को, पहले बलदेव जी आए एकम को, और उनके 10 दिन बाद एक में 10 जोड़ो, अरे एक में 10 इतनी तो गणित आती ना, हाँ एक में दस सर 11, तो ये 11 कहते हैं। पहले आए बलदेव जी, बलदेव जी बड़े हैं, पहले आए बलदेव जी, ठीक है, हाँ पहले आए बलदेव जी एकम को, बलदेव जी एकम को, और 10 दिन बाद आती 11 को। लेकिन ये काले हैं मल्ली बाबा, काले हैं कृष्ण जी है, तो इनकी तिथियां बड़ी खतरनाक है। लेकिन मैं कह रहा हूं ना, खत्म होते होते तिथियां बोलेगी, है ना। तो ये चैत्र में कृष्ण पक्ष है, ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी, ओके, वो था एकम से, ये है एकादशी से 10 दिन आगे, चैत्र कृष्ण एकादशी से, ठीक है। अब वापस आ जाएगा चैत्र शुक्ल एकादशी 15 दिन तक, ये कृष्ण से चालू होते हैं और शुक्ल में जाके फिनिश होते हैं, है ना। तो ये 11 से 11 तक है, ये 11 से 11 तक है। लेकिन ध्यान रखना भैया, कृष्ण 11 से है ये, है ना, और कहां तक खत्म है शुक्ल, यही तो गड़बड़ होगी। बाकी तो अब हरेक को पता है कि मल्लिनाथ बाड़मेर बालोतरा बढ़ता है, लेकिन ये तिथियां जो है, तो सुबह का समय है, तिथियां यहां यहां खोपड़िया में फिट कर लो, समझेगा, हाँ सीधा यहां पे फिट कर लो, ताकि कोई निकाल नहीं सके मेरे साथ सुबह सुबह। हाँ तो बताओ फटाफट कैसे याद करोगे। तो देखो बालोतरा है वो एकम से है, एक में दस जोड़ो ना 11, ये 11 से है। बालोत्र जो बलदेव जी थे गोरे थे, वो शुक्ल से थे, बलदेव जी गोरे थे शुक्ल से, और ये किससे है, कृष्ण से। हालांकि कृष्ण पक्ष में 2 ही पशु मिला है, इसको भी लिख लेना, कृष्ण पक्ष में 10 में से 2 ही है, एक आ गया मल्लिनाथ जी, एक है मां शिवरात्रि, बाकी सब शुक्ल पक्ष में। लो आपका लफड़ा खत्म करता हूं मैं, इसको भी एक बार साथ साथ देखते रहना, लिखते रहना, नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, हाँ टेस्ट देना कि नहीं देना है, आज टेस्ट है किसका, पशु गणना का, आज किसका टेस्ट है, पशु गणना का, अगले संडे पशु मेले पशु गणना दोनों का टेस्ट और आएगा, ठीक है। हाँ तो सुनो, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का लफड़ा खत्म कर दूं, हां तो कृष्ण पक्ष में 2 पशु मिले आता है बस, हाँ बस 2 ही है, बाकी 8 शुक्ल पक्ष में है। तो वो कौन से 2 है, वो दोनों के दोनों मम से है, दोनों मामा मामा कृष्ण मामा कृष्ण मामा। तो एक तो है मल्लिनाथ जो मैंने आपको बता दिया, और एक है महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि, ठीक है। तो ये है कौन, मामा मामा है ना, मामा मामा लगा दो और क्या, तो ये कर देंगे कृष्ण मामा, ठीक है। कृष्ण मतलब क्या, कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण क्या है, मामा है ना, हाँ कृष्ण मामा है, किन कहते हैं ना, काना काना मामा, ये कृष्ण मामा है, ठीक है, हाँ तो कृष्ण मामा काले हैं, बाकी सब एकदम डंके की चोट पे कह सकते हो, बाकी 8 पशु मिले, ये है कंटेंट्स, है ना, हाँ ये है कंटेंट, बाकी 8 पशु मिले जो है वो किस में है, वो शुक्ल पक्ष में। लफड़े ही खत्म कर दिया, ठीक है, लफड़े ही खत्म कर दिया है कृष्ण और शुक्ल का। और मैं कह रहा हूं ना, वीडियो खत्म होते होते मैं इनको आपके दिलो दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा कॉन्फिडेंस है और मेरा विश्वास है। लेकिन उससे पहले आपको भी लगातार अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो अपन कहते हैं ना, काना मामा कृष्ण मामा कृष्ण मामा, ये है कृष्ण मामा। तो जब भी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जदोजहद हो, दसमंजस हो, तो सीधा बोलना कृष्ण मामा कृष्ण मामा कृष्ण मामा, मामा क्या है, मल्लिनाथ और मास, वो मम है, मम को मामा कर दो भाई। देखो एग्जैक्ट तो मम बैठता है, लेकिन मम थोड़ा ऐसा लगता है कोई अंग्रेज बोल रहा, कृष्ण मम, मामा को कृष्ण मम, मम क्या होता है, मामा होता है, ठीक है, लेकिन मामा आता है। मल्लिनाथ मां शिवरात्रि, मल्लिनाथ मां शिवरात्रि, 10 में से 2 जो है कौन से, मल्लिनाथ और मां शिवरात्रि, ये कृष्ण पक्ष में है, बाकी शुक्ल पक्ष में है।
खूब पढ़े होंगे आपने, पशु मिले खूब पढ़ाए भी होंगे, लेकिन इस तरह से कृष्ण और शुक्ल को किसी ने अलग नहीं किया होगा। ये एकदम नवाचार है जो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बड़ी टेंशन होती बच्चे को, सर कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये क्या लफड़ा है, कृष्ण मामा हो गया एकदम हंगामा, कृष्ण मामा हो गया हंगामा। अरे भैया लिख लो, बड़ी शानदार ये क्रीम है दूध के ऊपर, मक्खन जो होता ना मक्खन, देसी घी है ये, है ना, देसी घी है, ओके है। तो क्या है, कृष्ण मामा, चलो साहब ये तो रेडी हो गए। अब दोनों को वापस लाते हैं। जब हिंदू नववर्ष आता है ना, हिंदू नववर्ष आता है कब आता है, कब आता है, चैत्र में। हिंदू नववर्ष आता है चैत्र में, तो अपन क्या बम फोड़ते हैं, और सही भी है यार, आप ये हैप्पी न्यू ईयर इनमें बम फोड़ते हो, हिंदू नववर्ष में फोड़ो ना, तो हिंदू नववर्ष में चैत्र में बम बम बोले, ठीक है। आओ दोनों को एक साथ याद करा देता, आओ इधर, क्यों हमें क्या लफड़ा है, कोई लफड़ा नहीं है, सुनो। चैत्र में, चैत्र में, चैत्र में दो पशु मिल आते हैं, कौन कौन से हैं, बलदेव और मल्लीनाथ। तो हिंदू नववर्ष में चैत्र में बम बम बोले, बम फोड़ते हैं चैत्र में, बम फोड़ते हैं चैत्र में, बम फोड़ते हैं। तो कभी भी चैत्र में आ जाए, सुनना ढंग से, कभी ऑप्शन में चैत्र लिखा आ जाए, सीधा बोल देना बम बम बोले। चैत्र में क्या फोड़ते हैं, बम फोड़ते हैं, कौन कौन बम फोड़ते हैं, कृष्ण जी और बलदेव जी, कृष्ण जी और बलदेव जी। आप एक चित्र इमेज क्रिएट करो कि हिंदू नववर्ष आया, चैत्र नववर्ष आया, उधर बलदेव जी रॉकेट छोड़ रहे हैं, इधर जो है मल्लीनाथ जी पटाखे छोड़ रहे हैं, दोनों भाई मिलकर पटाखे छोड़ रहे हैं। बलदेव जी गोरे हैं शुक्ल पक्ष में, ये काले हैं, ये पहले दिन आते हैं, ये 10 दिन बाद आते हैं, ठीक है। अब देखना, ये साइंस लगा रहा हूं मैं, है ना, ये बलदेव जी पशु मेला है और ये क्या है, मल्लीनाथ पशु मेला है, ठीक है। अब बलदेव पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेला, बलदेव पशु मेला जो है वो कहां है, वो 1 से लेकर 15 तक है। अब शॉर्ट में चलेंगे, है ना, हाँ। और इसमें 10 आगे करो, 1 में कितना है 11, तो ये 11 से 11 है। ये जो है ये कृष्ण जी है और ये कौन है, बलदेव जी गोरे हैं, तो ये शुक्ल है, ठीक है। अब जगह बार बार, जगह देखो, जगह लग रही, सबको पता बलदेव मेड़ता में, जिसमें बल आ गया, जिसमें बल आ गया, जिसमें बल आ गया वो कहां पर है, उसको मैं आ गई है, और मल्ली बाबा, मल्ली बा बा, मल्ली बा बा, बालतरा है बाड़मेर है, ये लो शॉर्ट एंड स्वीट, ठीक है। रेडी है क्या, हाँ, तो बताओ फटाफट क्या है इसकी कहानी, क्या है इसकी कहानी। चैत्र में बम फोड़ते हैं, चैत्र में बम फोड़ते हैं, बम में ब से क्या है, बलदेव है, म से क्या है, मल्लीनाथ है, म से क्या है, मल्लीनाथ है। बलदेव जी गोरे हैं, मल्लीनाथ जी काले हैं, बलदेव जी पहले आते हैं, बड़े हैं तो पहले आएंगे दुनिया में, 1 से 15 तक है, 1 में 10 जोड़ दो, 1 में 10 जोड़ दो, तो 1 में क्या जाएगा 11, 11 से 11 है, ओके है क्या, हाँ, रेडी है क्या। हालांकि ध्यान रखना, यूं मल्लीनाथ पहले आते हैं क्योंकि कृष्ण पक्ष पहले आता है, लेकिन याद करने के हिसाब से है जी, है ना, हाँ। चलो साहब ये तो याद हो गए, है ना, ये तो याद हो गए। अब आ रहे हैं भाई साहब राजस्थान के सबसे हिट लोक देवता, और सभी जने सुबह सुबह जयकारे से मजा ले लो ना, सिलेक्शन पक्का है। तो जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, सभी जने जयकारे से लिखेंगे कमेंट में, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं उतने को उतने लिखेंगे जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, जय बोलो गोगा जी महाराज की जय हो। आ जाओ यहाँ पे, श्रवण भादवा गोगा तेजा, श्रवण भादवा गोगा तेजा, अब आएगा मजा, ठीक है। जब यहां पर आएगा कौन सा, श्रवण भादवा गोगा तेजा, श्रवण भादवा गोगा तेजा ना, हाँ। जब भी आपको ऑप्शन में श्रवण भादवा मिल जाए, जब भी ऑप्शन में क्या मिल जाए, श्रवण भादवा मिल जाए, तो सीधा सट गोगो जी तेजो जी को याद कर लेना। कंजूसी मत रखना, जय में जय करे में कंजूसी मत रखना, भले ही बोल देना मोबाइल देखते देखते, लिख दो भैया अपन राजस्थान मारवाड़ के लोग, हाईफाई मत बनो, अमेरिका इंग्लैंड की तरह मत बनो, हाँ यदि बोलना है तो मन से जय करा बोलना है, है ना, क्या शर्म है इसमें। मैं बोलता हूं एकदम जय बोलो तेजाजी महाराज की जय हो, जय बोलो गोगा जी महाराज की जय हो, मैं बोलता हूं बकायदा, इसमें क्या हुआ, बिल्कुल बोलेंगे, है ना, छाती ठोक कर बोलेंगे, अपने देवता है, ठीक है। आओ इधर
सावन भादवा गोगा तेजा गोगा तेजा। तो ये है कौन? गोगो जी। मैं जानबूझ के इनको गोगो जी लिखता हूं क्योंकि मुझे मेरे शब्दों पे और मेरे स्टाइल पे नाज है। ठीक है, मैं अंग्रेज नहीं बनना चाहता, मैं हाईफाई नहीं बनना चाहता, मैं अपनी संस्कृति को जैसा है स्वीकार करता हूं। मैं एकदम फुल इंग्लिश भी बोलना चाहूंगा तो फुल मारवाड़ी भी बोलना चाहूंगा। जब मारवाड़ी में गोगो जी महाराज कहते तो फीलिंग ये लगाती, कहते ना जय हो गोगो जी बाव जी की जय हो। ठीक है, तो गोगो जी शब्द देखो अलग है। गोगो जी गांव में आज भी यदि कोई सांप दिखता है तो अपने बूढ़े जो है, अपने पूर्वज जो है, अपने बड़े जो अग्रज है, अपने जो महना माता जी दादी जी है, जय हो गोगो जी बाव जी कहते नहीं कहते? गोगो जी बाव जी कहते, वो जो सर्प है निकल जाता है, है ना? ऐसा मानते हैं सर्प में, है ना, सर्प अवतार में, सर्प दंश में, है ना, सर्प के वर्णन में गोगा जी और तेजा जी का नाम आता है। तो अब सुनना सर, मैंने क्यों लिखा, इसमें बहुत अंदर कुछ टेक्निक्स है। क्या टेक्निक्स है? सबसे पहले तो इनके स्थान सबको है गोगा जी गोगा मेड़ी में, किसको नहीं पता है भाई? हाँ सर, सिर्फ तिथियों का झोल है, तिथियां अभी मैं आपको घोटाता हूं। गोगा जी जो है ये कहां पर है? गोगा मेड़ी। और गोगा मेड़ी सबको पता है कहाँ है? हनुमानगढ़ में है, नोहर हनुमानगढ़ है, है ना? हाँ नोहर हनुमानगढ़ है। ठीक है, और तेजा जी सबको पता है, तेजा जी बहुत तेज था, वो पर्वत पे सर सर चढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ पर्वत सर पे। अब पर्वत सर में बहुत झोल है, पर्वत सर में बहुत झोल है, उसको आगे वाले पेज पे करेंगे। सुनो पर्वत सर की कहानी तो भाई साहब ऐसी है जैसे किसी बच्चे का बार बार नाम चेंज नहीं करते। हाँ पर्वत सर, ठीक है, पर्वत सर सबसे पहले माना जाता था नागौर में। ठीक है, आज भी माना जाता है, नागौर के बाद इसका जिला बनाएगा डीडवाणा। क्या बनाया गया? डीडवाणा। डीडवाणा से भी मन नहीं भरा तो अपने माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब है अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने कुचामन को भी हरी झंडी दे दी। वो अलग बात है कि अभी तक ये कागजों में है, लेकिन कुचामन सिटी उसके और नजदीक है। तो ये तीन जिले एक साथ लगे हुए हैं पर्वत सर पे। तो पर्वत सर में है जो सबसे पुराना जिला है नागौर है, लेकिन फिर भी आए किसी को कन्फ्यूज है कि साहब सावन भादवा में नाडी में कूदते बहुत है, तो इसकी ट्रिक बना लो नाडी में कूद, नाडी कूद। पर्वत सर में एक बहुत बढ़िया अच्छी नाडी है, तालाब है, वहां पे सावन भादव फुल पानी भरता है, गोगो जी तेजा जी के पशु में लगता है, तो लोग नाडी में कूदते हैं, नहाते हैं नाडी में कूद। ना से नागौर है, डी से डीडवाणा है, कू से कुचामन है। पहले नागौर जिला था, अब भी है, लेकिन नागौर में बनाया गया डीडवाणा को और डीडवाणा बनाया गया कुचामन को। अब सुने चार ऑप्शन, सबसे ऑथेंटिक कौन है? पर्वत सर। सबसे ऑथेंटिक कौन है? तेजाजी पशु मेला जब भी पूछे, तेजाजी पशु मेला पूछे तो पर्वत सर। ठीक है, पर्वत सर ऑप्शन में नहीं हो और वो एकदम नया जीके बनाना चाहे और आपको एकदम अटकाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नाडी में कूद, नाडी में कूद। नागौर में डीडवाणा, नागौर में डीडवाणा और डीडवाणा में कुचामन। ऐसा लग रहा था कि साहब पहले सासू के बेटा हुआ, है ना, बच्चा हुआ, फिर घर में, है ना, बहू के बच्चा हुआ और छोट की बहू के और बच्चा हो गया। भाई साहब घर में पूरा घर भर दिया ऐसे, है ना, डे बाय डे मामला यहां पर तेजम तेज है। तो नाडी में कूद, नाडी में कूद। हाँ नाडी में कूद में क्या है? नागौर डीडवाणा कुचामन, ये झोल है इसका। समझ आ गया क्या? हाँ साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहना, ठीक है। हाँ और तेजो जी की जय बोलते रहना भैया। हाँ ठीक है, तो नाडी में कूद, नागौर डीडवाणा कुचामन। ठीक है, अब आओ इधर। अब ये गोगो जी का क्या सीन है? अरे भैया बहुत कुछ लाया मैं तुम्हारे लिए, आज झोली भर भर के लेके आया हूं मैं, है ना। वो सांता क्लॉज होता है ना, वो तो गिफ्ट देता है और मैं तुम्हारे पढ़ाई का सांता क्लॉज हूं और मारवाड़ी में कहते भूमिया जी हूं, बूझ कराई लो जिन्हों जिन्हों सिलेक्शन होना है। हाँ ठीक है, और अब गोड़ और गोल, गोगो जी देखो ये गो से क्या है? गोल 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 लड्डू पत्ता सा शक्कर पाड़ा। ओ गाना क्या था बेटा? हैंगा नहीं याद है, है ना, लेकिन अब ये गाना चेंज हो गया। गोल गोल लड्डू पत्ता सा शक्कर पाड़ा, ये गाना चेंज हो गया और नया गाना आया, वो मैंने लॉन्च किया। वो क्या है? गोल गोल पूनम का चांद, गोल गोल
पूनम का चांद, गोल गोल पूनम का चांद। अरे गोल गोल क्या होता है, गोल ये देखो गोल है ना, हाँ गोल है पूर्णिमा का। वो कहता ना साहब, तेरा चेहरा जैसे पूर्णिमा का चांद हो। बोली चांदनी है तो एक काम पड़े जाने बेटा, गोल गोल पूनम और चांद कहवे है, पूर्णिमा से पूर्णिमा। जय हो गोगो जी, याद कराए दे बापूड़ा नियाल कर दिया है। गो गो गोल गोल पूनम का चांद, गोल गोल ये देखो पूनम का चांद, भाई साहब ऐसा चांद, फिर वापस ऐसा चांद है ना। हाँ तो ये कौन है, ये कौन है, पूर्णिमा का चांद है। और वापस दूसरा क्या है, और पूर्णिमा का चांद है, यानी कि ये गोल गोल पूर्णिमा से पूर्णिमा सबसे लंबी अवधि वाला चलने वाला पशु मेला है, सबसे लंबी अवधि वाला पशु मेला है गोल गोल पूनम से पूनम। ठीक है, क्या मस्त है कि नहीं बताओ। कनेक्शन कैसा ढूंढा सही से बताना, याद नहीं हो कनेक्शन। अरे अभी तो आगे देखो तुम, जसवंत आपको कराता हूं, आज छुट्टी है ना तभी से पढ़ाऊंगा। आज आप मेरे असली पढ़ाने वाला अवतार देखने वाले हो, रोज तो क्या आगे कक्षा होती है तो भागना पड़ता, आज छुट्टी है बड़ा। हाँ 9 बजे ड्यूटी पे जाना है तो 8:30 तक मैं फ्री हूं, ठीक है 8:30 तक मैं जय बुलाता रहूंगा आज गोगा जी तेजा जी सबकी, ठीक है। हाँ लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, आप भी रुकना मत थकना मत है ना। चलो अब आओ गोगो जी की डेट बोलो, गोल गोल सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा। ये कब से है भाई, ये सावन पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा, भादवा अपन क्या कहते हैं, भादवा। अरे क्या कहते हैं, भादवा, सावन भादवा गोगा तीजा, सावन भादवा गोगा तेजा। अरे माहौल के अंदर भर दो, जब भी कोई कहे ना श्रवण भादवा, अरे गोगा तेजा, श्रवण भादवा गोगा तेजा, मेरे साथ बोलो श्रवण भादवा गोगा तेजा, श्रवण भादवा गोगा तेजा। ठीक है तो ये आ गया श्रवण भादवा गोगा तेजा। फिर डेट गोल गोल पूनम से पूनम, गोल गोल पूनम से पूनम, गोल गोल पूनम से पूनम। ठीक है अब तेजा जी है, तेजा जी भी साथ आते हैं, तेजा जी भी साथ आते हैं। ये भी कौन से पशु मेले एक ही डेट से बढ़ते हैं, तो ये भी सावन पूर्णिमा है, लेकिन ये सावन पूर्णिमा से अमावस्या तक ही है, ये 15 दिन तक ही बढ़ता है। ये तेजा जी कहते हैं भाई मेरे को तो जाना पड़ेगा लोक कल्याण में, मुझे मेरे भगत याद कर रहे हैं, तो ये 15 दिन बढ़ता है। और ये सावन पूर्णिमा से पूर्णिमा 1 महीने सबसे लंबी अवधि, सबसे लंबा पशु मेला कौन सा है, गोगा जी पशु मेला है। शुक्ल कृष्ण का कोई लफड़ा ही नहीं है, शुक्ल से ही है सारे पशु, शुक्ल सारे कृष्ण मेले शुक्ल से है। कृष्ण मामा, मामा का मतलब क्या है, मल्लीनाथ और मां शिवराती। अब मुझे बताओ दिल से कमेंट से एकदम जबरदस्त, सावन भादवा गोगा तेजा बोलो मेरे साथ, मजा आ जाए। क्या है, सावन भादवा गोगा तेजा, सावन भादवा गोगा तेजा, गोगा नहीं गो गो जी, गोल गोल पूनम से पूनम, गोल गोल पूनम से पूनम, वो पूनम से पूनम, ये पूनम समावेशक है। रेडी है क्या, हाँ अब पशु आएंगे गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ है तो हनुमानगढ़ में कौन सा आएंगे, हरियाणवी पशु है ना, हरियाणवी पशु आएंगे। और इधर जो है परबतसर नागौर में है तो यहां कौन आएंगे, नागौरी है। परबतसर का जिला बताओ, पहले नागौर फिर डीडवाना फिर कुचामणी, ये अपडेट और अपग्रेड है, याद हो गया भाई। हाँ चलो जबरदस्त याद हो गया, चलो तो ये आपके हो गया श्रवण भादवा गोगा तेजा। ठीक है अब आते हैं सबसे खतरनाक, अब थोड़े धीर गंभीर हो जाना भाई। दो पशु मिले ऐसे हैं जिनकी डेट यदि ढंग से लिखी आ गई ना तो कईयों को आगे पीछे करेगी, लेकिन जो मेरा विद्यार्थी है जो इस वीडियो को देखेगा ठीक है उसे कोई गड़बड़ नहीं आएगा। तो कमेंट रोको, दो पशु मिले हैं जो कार्तिक में बढ़ते हैं, ठीक है कौन कौन से हैं, एक तो है कार्तिक पशु मेला खुद, एक है चंद्रभागा। ठीक है चंद्रभागा पशु मेला कहां बढ़ता है, चंद्रभागा और गोमती दोनों झालरापाटन झालावाड़ में है और कार्तिक कार्तिक में, सुना ढंग से। तो अब ये यहां पर आएगा कार्तिक में कौन से पशु मेले हैं, सुनो कार्तिक कब आता है, चौमासे के बाद, सबको पता ना। अरे कार्तिक कब आता है, चौमासे के बाद है ना, चौमासा होता है
फिर कार्तिक आता है और शादी ब्याह की सीजन चालू होती है। भाई चौमासे में शादी ब्याह नहीं होता है। अब कार्तिक में लोग बाग तैयार होते हैं, सुनना सुनना एक एक को साइकोलॉजिकल याद कराओ। कार्तिक में क्या है, लोग बाग तैयार होते, काश देखते हैं, काश देखते हैं, अच्छा कितो फोटो लागू रहे हैं, ब्याह में जाओ जना टकाटक एंजॉय बेटा एकदम। तो कार्तिक जब भी आए ना काच, कार्तिक में लोग क्या देखते हैं, काच। सर ये क्या काच, अरे बहुत कुछ है। कार्तिक में देखते हैं काच। तो जब भी ऑप्शन में कार्तिक लिखा है आप तो काच को याद कर लेना। जब भी ऑप्शन में कार्तिक आए, कार्तिक में लोग बाग ब्याह में जाते हैं, कार्तिक में दिवाली आती है तो लोग काच में खुद को मेकअप करते हैं, निहारते हैं, फोटो लागू होने लग देखते हैं। फिर ये जो कार्तिक है, ये जो कार्तिक है, काच से खुद कार्तिक पशु मिला है ना। और कार्तिक पशु मेला जो है सबको पता है कहां पर है, कार्तिक पशु मेला जो है ये आपके पुष्कर अजमेर में है। और पुष्कर अजमेर में जो है वहां कौन सी नस्ल मिलती है, गिर। तो पुष्कर के कुंड में जाके गिरी। इसकी तिथि बड़ी खतरनाक है, कोई नहीं अपने से खतरनाक थोड़ी है, तुमसे खतरनाक है क्या। हाँ ये च से कौन है, चंद्रभागा। चंद्र भागा, किसको लेके भागा, गोमती को लेके। और क्या किया उसने, झाला, झालरा पाटन। झालरा पाटन कहां है, झालावाड़ जिले में है। झालरा पाटन कहां पे है, झालावाड़ जिले में है। और इधर जो है कौन से नस्ल के पशु आते हैं, मालवी नस्ल के पशु आते हैं। यहां पर मालवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं, ठीक है। एक और ध्यान रखना, चंद्रभागा के साथ गोमती भी है लेकिन वो अलग करेंगे, सुनो 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 ठीक है। अब इसकी डेट बहुत ढंग से सुनना, बहुत आराम से, तभी से एकदम अच्छे से, ठीक है। कार्तिक में लोग शादी ब्याह में जाते हैं, हां काच देखते हैं, तैयार होते हैं। अब सुनना ढंग से, क्या हुआ कि जैसे सबको पता है कि पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां कार्तिक में लोग बाग डुबकी लगाने जाते हैं, है ना, डुबकी लगाते हैं, उस कुंड में गिरते हैं। ऐसे ही कोई बूढ़ी अम्मा थी, है ना, उसका बेटा था कार्तिक, ढंग से सुना कार्तिक। उस अम्मा ने बोला, बेटा कार्तिक मेरे को पुष्कर जाना है कार्तिक महीने में, ठीक है, मेरे को ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगानी, वहां गिरना है, तो बेटा मुझे पुष्कर तीर्थ करवाना है ना। तो क्या बोला कार्तिक, कार्तिक ने बोला मां 7 दिन मेरे को टाइम नहीं है ना, 7 दिन मेरे ऑफिस का कुछ काम चल रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट है, 8वें दिन मैं तेरे को लेके जाऊंगा, ठीक है। और लोग तो पूर्णिमा को सब दर्शन कर करके वापस आ जाएंगे, मैं पूर्णिमा के बाद भी तेरे को 2 दिन और मार्गशीर्ष मिक्सर में अजमेर और घुमाऊंगा, बढ़िया शॉपिंग कराऊंगा, तेरे को चीजें दिलाऊंगा, लेकिन 7 दिन मां मेरे को काम है। और आप कह सकते हो, सुनो ज्यादा इमोशनल भी नहीं होता, आपके घर पे कार्य हो ना, आपके माता पिता या आपके भाई बंधु या कोई भी, तो आपकी पढ़ाई सर्वोपरि है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, पापा या मम्मी मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, अपनी पढ़ाई करने के बाद जो उसमें टाइम होगा मैं काम करूंगा, ठीक है। हां तो कार्तिक ने बोला 7 दिन तक मां टाइम नहीं है, 7 दिन तक मुझे ऑफिस का कुछ काम है, कुछ बैलेंस शीट बनानी कुछ काम है, 7 दिन में मैं अपने महीने भर का काम कर लू मां, 8वें दिन अपन चलेंगे। तो मां राजी है, भाई मां कहेगी ना कर्म सर्वोपरि, सबसे पहले कर्म है उसके बाद तीर्थ है, यदि आपने अपने कर्म अच्छे किए तो मैं कहता हूं किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं है, जिसके कर्म अच्छे हैं भगवान तीर्थ उसके मन में है, ठीक है। तो कर्म से कार्तिक बोला 7 दिन टाइम नहीं, 8वें दिन। अब सुनना, यहां से सुनना मेरी स्टोरी मिला ना, कार्तिक ने क्या बोला, 7 दिन टाइम नहीं है मां, 8वें दिन से यानी अष्टमी, ठीक है। अब सब शुक्ली है, सब शुक्ली है, तो ये अष्टमी यानी कि आटम से आगे मार्गशीर्ष, जिसे अपन बोलते हैं मारण क्या मिक्सर, मार्गशीर्ष में द्वितीया तक बढ़ता है, ठीक है, सुनना। और सब शुक्ल है, अरे भैया शुक्ल और कृष्ण मैंने पहले ही खत्म कर दिए, फिर भी कोई कहे तो ये लो, सब शुक्ल है, ठीक है। अब सुनना, अब आएगा मजा, एक के साथ एक फ्री। क्या बोला कार्तिक ने, 7 दिन टाइम नहीं है मां, कार्तिक ने क्या बोला, 7 दिन टाइम नहीं है, 8वें दिन चलेंगे, 7 दिन ऑफिस का काम करेगा संडे तक, सोमवार से 8वें दिन चलेगा, फिर मिक्सर में भी 2 दिन रुकेंगे, ठीक है, मिक्सर में भी 2 दिन रुकेंगे, ठीक है। अब हां, अब यहां पर सुने, इसमें 3 जोड़ो। सर क्यों, यही तो है मजा है, देखो इसमें आप 3 जोड़ दो 3 दिन बाद,
तो कार्तिक के तीन दिन बाद ही, कार्तिक के तीन दिन बाद ही चंद्रभागा बढ़ता है। तो जिसको कार्तिक याद, चंद्रभागा फ्री। तो आठ में तीन जोड़ो सभी जने, सभी जने जोड़ो, आठ में तीन, आठ में तीन जोड़ो, नौ दस ग्यारह। अरे आठ में तीन जोड़ दोगे ना, हाँ, तो ये भी आएगा शुक्ल ग्यारह से एकादशी, शुक्ल एकादशी। ओके, एकादशी क्या होता है, ग्यारह से मार्गशीर्ष, ये भी है क्योंकि तीन दिन में कौन सा महीना चेंज होता है ना, मार्गशीर्ष ये भी है, और पंचमी एक में थोड़ी जोड़ोगे। तो यहां भी आपने क्या जोड़ा है, प्लस तीन है, एक के साथ एक फ्री। तो काच में क्या डिफरेंस है, तीन दिन का डिफरेंस। ओके, कार्तिक को सात दिन टाइम नहीं है, अच्छा, आठवें दिन से गया मिक्सर में भी दो दिन रुका, तो आठ से लेकर मिक्सर की द्वितीया तक, आठ से दो, आठ से दो, तीन जोड़ो, आठ में तीन जोड़ो ग्यारह, दो में तीन जोड़ो पांच, कार्तिक के साथ चंद्रभागा फ्री। और अभी एक वीडियो या एग्जाम हुआ था उसमें चंद्रभागा पूछा था, और सबको पता है ये चीजें कितनी टफ होती है, लेकिन अब मुझे ईमानदार से बताओ क्या ये टफ है, क्या वापस करें, क्या ढंग से सुनो, एकदम अच्छे से पेन वेन रख दो, कैमरे को ऐसे देखो, मैं तुम्हारे पास आके याद करा रहा हूं, सुना है ना। कार्तिक में लोग बाग तैयार होते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, काच। कार्तिक में क्या देखते हैं, काच। कार्तिक क्या देखते हैं, काच, याद हो गए। तो जब जब कार्तिक आएगा, काच आएगा, कार्तिक और चंद्रभागा, ठीक है साहब। कार्तिक ने क्या बोला अपनी माताजी को, माताजी सात दिन मुझे ऑफिस का काम करने दो, आठवें दिन अपन चलेंगे। तो आठ से लेकर मार्गशीर्ष द्वितीया तक कार्तिक अपने माता का है ना जो मार्ग है, एकदम वो शीर्ष साफ करता है, और अबन वह श्रवण पुत्र की तरह उनको लेके जाता है। तो ये हो गया आठ से दूज, आठ में तीन जोड़ो ग्यारह, दूज में तीन जोड़ो पंचमी, दूज ग्यारह से पंचमी तक, ठीक है। अरे बोलो हाँ, तो ये हो गया रेडी मामला, हाँ, अरे बोलो हाँ। अब इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे टफ चीज ये थी आज के सेशन की, सबसे टफ चीज ये थी, लेकिन मुझे नहीं लगता ये टफ है। रेडी है भाई, हाँ, बहुत अच्छे से आ गया, सही से बताओ भाई। देखो यार, सुबह सुबह मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का एक ही फल है, मेरी मेहनत का क्या फल है, मेरी मेहनत का एक ही फल है, आपका सेटिस्फेक्शन और आपके दिल में जगह। तो आप सभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को देखेंगे, वो सब बताएंगे क्या इसमें मेहनत हुई कि नहीं हुई है। आपको बहुत अच्छा अच्छा पढ़ाया होगा, बहुत गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते, सबको सुबह सुबह मेरी तरफ से सैल्यूट है, लेकिन मैं खुद को भी सैल्यूट करता हूं कि यहां पे जो टफ से टफ कॉम्प्लेक्स चीज है उसमें मैंने इजी किया है ना। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मेरे से करे, क्यों, क्योंकि मैं मेहनत ज्यादा करूंगा है ना, मैं ज्यादा कंटेंट दूंगा, मैं ज्यादा तरीके से काम करूंगा, मैं इंस्पायर करूंगा, मैं मोटिवेट करूंगा, मैं पढ़ना सिखाऊंगा, मैं बच्चों के साथ ऐसा कुछ माहौल बनाऊंगा कि बच्चा पढ़े बिना रह नहीं पाए, तो भगवान क्यों नहीं आगे देखेगा, ठीक है, हाँ, ओके है। वापस देखें, कार्तिक में लोग काश देखते हैं, अब देखना कंटिन्यू, कार्तिक में लोग काश देखते हैं, कार्तिक ने बोला मां सात दिन टाइम नहीं है, आठ से लेकर मार्गशीर्ष द्वितीया तक रुकेंगे। उसके बाद कार्तिक है चंद्रभागा, चंद्रभागा तीन दिन आ गए, आठ में तीन जोड़ो ग्यारह, दो में जोड़ो पांच, रेडी हो गया। अब आओ इधर, अब आएंगे यहां पर अलग अलग और पशु मिले, जसवंत पशु मिला, भाई साहब आत्मा खुश नहीं हो जाए ना तो मुझे बताना। अब यहां आपस में मिक्स नहीं है, ठीक है, अब दो दो मिक्स हो गए, छह हो गए ना, कौन कौन से हैं, सावन भादवा गोगा तेजा, सावन भादवा गोगा तेजा, कार्तिक में काच देखते हैं, देखो छह कैसे, सावन भादवा गोगा तेजा, कार्तिक में काच देखते हैं, चैत्र में बम फोड़ते हैं, छह तो गए, चैत्र में बम फोड़ते हैं, चैत्र में बम फोड़ते हैं, सावन भादवा गोगा तेजा, सावन भादवा गोगा तेजा, और कार्तिक में काच देखते हैं। देखो चैत्र में बम फोड़े, चैत्र में बम फोड़े, बढ़िया एकदम, सावन भादवा में गोते लगाए, गोगा तेजा को पूछा, और कार्तिक में काश देगा। अब आओ जसवंत में, सुनो, जब राम जी और लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, थोड़ी स्टोरी सुन लो, राम जी लक्ष्मण जी को वनवास हुआ, तो जब भरत जी आए तो भरत जी राजी नहीं हुए,
पर जिनका मेरे बड़े भैया राम जी और लक्ष्मण जी कहाँ है, तो उनको बोला गया वो तो वनवास चले गए। तो उन्होंने हाथों हाथ तुरंत, है ना, पहले कोई फॉर्चूनर स्कॉर्पियो होती नहीं थी, है ना, पहले क्या होता थे, घोड़े होते थे, घोड़े को पहले अश्व बोलते हैं, आज ही बोलते हैं। तो उन्होंने अश्व उठाया, घोड़ा उठाया और राम जी के पीछे वन में चले गए। और वहां जाके सबको पता है, उनसे रिक्वेस्ट की कि भैया चलो अयोध्या आपकी है, ठीक है, और मैं वहां पर शासन राज्य नहीं करूंगा। तब आगे सबको रामायण की स्टोरी पता, लेकिन इतने से अपना काम चल जाएगा। फिर लोगों ने जो है, जब भरत जी घोड़ा लेके गए तो लोगों ने यश कीर्ति गाई कि वाह भाई हो तो भरत जैसा। और जस, यश को मारण क्या बोलते हैं, जस। अब सुना, जस लिया किसने, भरत जी ने। यश में क्या, जस, जस मारण क्या ना, अरे साहब जस दियो गाड़ी भरण। हाँ, तो ये है जस लिया भरत जी ने। जस किसने लिया, भरत जी ने। ये भरतपुर में भरता है, भरतपुर में बढ़ता है ये मेला। कहां बढ़ता है, तो जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है। जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने। अब सुनो इसकी तिथि, तिथि खतरनाक है। जस लिया भरत जी ने, और भरत जी क्या लेके गए, अश्व, घोड़ा लेके गए ना, हाँ अश्व। तो ये आता अश्विन में, कहा आता है अश्विन में, अरे कहा आता है अश्विन। और सबको पता शुक्ल है, भरत सब शुक्ल है ना, फिर भी लो अश्विन शुक्ल, अश्विन शुक्ल। भरतपुर में बताओ कितने शब्द है, इनके बताओ सभी जने, भरतपुर के अंदर बताओ सभी जने कितने वर्ड है, है ना, भरतपुर में कितने हैं, भरतपुर पांच है, पांच है ना, तो भरतपुर में पांच शब्द है, तो ये पंचमी से बोल ले, ये क्या, अरे यही तो मजा है, ये है पांचम से। अब सुनना गणित, पांच के दो टुकड़े करो, और टुकड़े कम से कम होने चाहिए, पांच के दो टुकड़े करो, एक और चार, अरे पांच को दो टुकड़े करो ना, पांच एक और चार, हां, तो ये पंचमी से चतुर्दशी तक है, ये चतुर्दशी तक है, तो पंचमी से ये कहां तक है, चौदह तक है। पांच के टुकड़े करो, वन प्लस फोर, वन प्लस फोर क्या हो गया, चतुर्दशी, ये लो याद, तो करें वापस। हां आओ इधर, जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने। भरतपुर में कितने शब्द है, पांच, भरतपुर में कितने शब्द है, पांच, पांच के दो टुकड़े करो, चार, चार मतलब एक और चार, तो पंच में से चतुर्दशी, ये पूरी कहानी सेट हो गई, पूरी कहानी सेट हो गई। क्या है, जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने, और भरत जी लेके गए अश्व भरतपुर में, पांच शब्द, पांच के दो टुकड़े, एक और चार। भरतपुर से टच कौन सा, हरियाणा है, हरियाणा है, तो ये हरियाणा में हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आएंगे, तो इधर जो है, इधर जो है हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं। यूं तो हरियाणवी मेवाती भी आते हैं, हरियाणवी है मेवाती है, ठीक है, ये नस्ल अधिक आती है, ठीक है, ओके है क्या। अरे इतनी जबरदस्त ट्रिक बताइए ना, आराम से बैठो, यू नहीं है कि कोई दिल भेज दो, कि वो सौ भेज दो, कि वो बुके भेज दो, कि मौज कर दे लिख दो, कि सर सुबह सुबह थक जाते हैं, तो पूरे दिन कैसे काम करोगे, अरे बोलो हाँ, तो फटाफट बताओ। जस लिया भरत जी ने, जस लिया भरत जी ने, भरतपुर में पांच शब्द है, पांच के दो टुकड़े, एक और चार, खोपड़िया में फिट, हाँ बिल्कुल। आय की दृष्टि से जसवंत पशु मेला कोरोना के बाद ज्यादा माना जाता है, लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं होता है, क्योंकि आय कौन सा तुम्हें बताते हैं क्या वहां पे कि तेजाजी में 5000 करोड़ मिले या 2000 करोड़ मिले, तो ये चीजें बाहर नहीं आती है। तो आय की दृष्टि वाला अपन लिखते बिंदु जरूर ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन ये जरूर है सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, वो है पुष्कर वाला, क्योंकि वहां वैसे ऑलरेडी बिना मेले ही पुष्कर में सैलानी कितने आते हैं, है ना। एक बात बताओ, बिना बिना जो है, बिना उसके पशु मेलों की, पुष्कर में तो लोग भरे बड़े रहते हैं, तो पुष्कर तो है ही है, हाँ ठीक है, बढ़िया है भाई। तो यार अब आओ इधर, जस लिया भरत जी ने, अब आएगी गोमती, अब आएगा मजा, है ना, गोमती सागर पशु मेला। भाई साहब इसकी तिथि बड़ी खतरनाक है, ठीक है, हाँ, गोमती सागर पशु मेला हड़ौती आंचल का सबसे बड़ा पशु मेला है। अरे ये तो तुम्हें सब पता, हड़ौती आंचल का बड़ा पशु मेला ना, आय की दृष्टि, तुम्हें तो बस तिथियां याद करनी मुझे पता है, तुम्हारा दुख कहां है वो मुझे पता है ना, हाँ। तो गोमती सागर, अब सुनो क्या हुआ,
कि उधर गोमती खड़ी थी, इधर चंद खड़ा था, है ना। वही नैना लड़ गए, है ना। चंद्र ने देखा गोमती को, गोमती ने देखा चंद्र को, दोनों में आपस में जो भी है कुछ केमिकल रिएक्शन हुई। भाई केमिस्ट्री का आदमी हो, है ना, तो यही आता है मुझे, तो केमिकल रिएक्शन हुई और नैना मिल गए। और चंद्र ने बोला गोमती को, भागेगी क्या? गोमती बोला हां पिया, मैं तेरे संग संग चलूंगी। अब पहले कोई व्हाट्सएप तो होता नहीं था, आजकल तो लफड़ा क्या व्हाट्सएप से कर दिया तुरंत मैसेज। अब पहले कोई व्हाट्सएप फोन थे नहीं, तो क्या करते थे, झल्ला करते थे। अरे गोमती, तो बोले हे चंद्र, दोनों भागे क्या? तो दोनों भागे, लेकिन जब भी भागते तो माल लेके भागे, क्योंकि वहां खाएंगे पिए गया। तो गोमती को चंद्र लेके भागा और माल लेके भागे। तो चंद्र भागा गोमती को लेके, झला करके माल लेके। ये दोनों के स्थान सेम है, दोनों की नस्लें सेम है, लेकिन तिथि अलग है। अब सुनना ढंग से, गोमती और चंद्र भागे, गोमती और चंद्र भागे क्या करके? झाला करके। तो यह जाएगा झालरा पाटन। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। झालरा पाटन कहाँ है? झालावाड़ में। तो गोमती और चंद्र भागे, ठीक है। हाँ, इसमें कौन से पशु आते हैं? मालवी। इसकी डेट खतरनाक है भैया, आप सभी जने डेट ढंग से सुनना, मजा आएगा। जब गोमती और चंद्र भागे, गोमती और चंद्र भागे, ठीक है। हाँ, तो चंद्र तो देखो यार भाई तेज है दौड़ने में, लड़के तो दौड़ जाते हैं। अब गोमती से भागा नहीं गया, है ना। चंद्र तो धै धै, जैसे वो चेन्नई एक्सप्रेस में नहीं होता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान तो भागता है लेकिन दीपिका गिर जाती है, वैसे ही गोमती गिर गई, है ना। और गिरी तो उसकी टांग टूट गई गोमती की, ठीक है। स्टोरी सुनना का, टांग टूट गई। तो अब आस पास कोई वैसा की पड़ी थी, वैसा की होती ना, वैसा की पे भाग रही है। अब चंद्र ने देखा यार ये गोमती तो खड़ी होगी, है ना, ऐसी खड़ी लुग गई, क्या काम की, ठीक है। तो उसने बेटे ने सोचा चंद्र ने कि गोमती को थोड़ा डराते हैं, है ना, थोड़ा कुछ ऐसा कहते हैं, ये वापस चली जाए तो माल तो आएगा अपन चले जाएंगे। तो चंद्र ने सुनो क्या बोला, चंद्र ने गोमती को डराया कि गोमती देख तू मेरे साथ भाग रही है, तू खड़ी हो गई है, अभी से वैसा के पे चल रही है, मेरे घर पे बहुत बड़ा परिवार है, मेरे पांच बड़े भाई हैं, तेरे जेठ हैं, काले काले मुस्टंडे हैं, उनके लिए तू रोटियां बनाते बनाते गोमती थक जाएगी, तो तू रहने दे, अभी तेरा परिवार पास में है, तू वापस चली जा, मैं भाग जाता हूँ। गोमती बोला नहीं, अब तो भाग गई ना, लोगों में नाम तो खराब कर दिया ना कि गोमती चंद्र के साथ भागी, अब तो मैं भागूंगा, चाहे पांच जेठ हो ना सात जेठ हो, सबके लिए रोटियां बनाऊंगी लेकिन वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है। अब सुनना इस स्टोरी को, जैसे वो एक गाना आया था ना हरियाणवी, मेरी रे सास के पांच पुत्र है, दो पता नहीं क्या है मुझे नहीं आता, लेकिन मैंने एक नया गाना लॉन्च किया आज ही। क्या लॉन्च किया है? गोमती के लिए सुनो, गोमती के लिए मैंने एक नया गाना लॉन्च किया है, क्या है? तेरे रे पांच रे काले रे जेठ है, गोमती के लिए, तेरे रे गोमती को, गोमती तेरे रे पांच रे काले रे जेट है, दो डेंजर दो नॉर्मल सुनियो, रोटियों के बटकारते हैं गोमती, तू रोटियां बनाते बनाते काई हो जाएगी लेकिन वो खाते खाते काई नहीं होगी। सर ये क्या, अब आओ इधर, अब सुनना जो मैंने बोला ना उसको यहां मिलाना, ठीक है। हाँ, तो क्या है सुनो, झालरा पाटन गोमती की डेट। हाँ, ये जो है ये वैसाख, वैसाख शुक्ल, वैसाख शुक्ल त्रयोदशी 13, ठीक है। वैसाख की पे शुक्ल पे, वैसाख की पे गोमती गोरी है, वैसाख की शुक्ल त्रयोदशी से तेरे पांच काले जेठ है तक। अब इसकी स्टोरी को मैं लिखूंगा तब आएगा आपको असली आनंद। सुनो, ये वैसाख है तो ये होगी वैसाखी, अच्छा वैसाखी से भागी है, 13 से क्या हो जाएंगे, तेरे पांच काले और ज्येष्ठ में क्या हो जाएगा, जेठ गोमती, ठीक है। गोमती, हाँ गोमती, गोमती कहां, वैसाख शुक्ल त्रयोदशी से ज्येष्ठ कृष्ण, ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक है, तो अपन क्या बोलेंगे, वैसाखी गोरी है, गोरी गोमती वैसाखी पे तू चल रही है, तेरे पांच काले जेठ, तेरे पांच काले जेठ, ढंग से सुनना, तेरे रे पांच रे काले रे जेठ है, गोमती तू कैसे चलाएगी रे। गोमती बोली कुछ भी हो, अब तो भाग गए, अब वापस नहीं जाने का, वापस नहीं जाने का, तेरे
काले जेठ तेरे रे पांच रे काले रे जेट है, तेरे रे पांच रे काले रे जेट है, तेरे रे पांच रे काले रे जेट है। तेरा से तेरस त्रयोदशी से, पांच से पंचमी, काले से कृष्ण और जेठ से ज्येष्ठ। तेरे रे पांच रे काले रे जेट है, तेरे रे पांच रे काले रे जेट है। गोमती तू तो खड़ी होगी वैसाखी पे चल रही है, पांच काले काले जेट है कैसे निभाएगी। गोमती ने कहा अब तो मैं भाग गई हूं, घर से माल भी लाया, अब वापस जाने का नहीं। वो कहता ना साहब बुलाता है पर जाने का नहीं, भगाता है पर जाने का नहीं। अब गोमती बोले नहीं, वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, अब भाग गई तो भाग गई। अब पांच काले जेठ होने वाले, दस काले जेठ हो, रोटी बनानी पड़े ने सब्जी बनानी पड़ी, अब तो वापस नहीं जानेगा। अब बताओ हकीकत में मेहनत हुई है कि नहीं हुई है, ईमानदार से बताना, दिल से कमेंट करना, यहां से दिमाग से नहीं। देखो दिमाग से जो सोचता है, दिमाग से जो काम लेता है ना वो अक्सर जीतता है, और जो दिल से काम लेता है ना वो इतिहास रचता है। जीतना उसके लिए बहुत छोटी बात है, ठीक है। तो कैसे लगी तेरे रे काले रे पांच रे जेठ है गोमती की स्टोरी, और लगी है तो फटाफट इसको शेयर करके 900,000 नहीं यार, अब तो यार तुम्हारी भर्ती आ गई है, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें इसको शेयर करके सभी तक पहुंचाना ही है। आपको बताऊं मैं एक और खुशी की बात, ठीक है, एक खुशी की बात बताऊं आपको मैं, है ना, एक खुशी की बात। एक उत्कर्ष एग्रीकल्चर चैनल का जो हमने एक छोटा सा बीज बोया था आज से साल भर पहले, है ना, लोगों ने हमें कहा था कि एग्रीकल्चर में क्या है। आपको मैं मेरा पूरा थोड़ा परिचय बता देता हूं। मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजप्रीत हूं, मैंने पीएमटी की तैयारी करी थी 4 साल, ठीक है, मेरा बेसिक साइंस है, ठीक है, मैं केमिस्ट्री बहुत तगड़ी पढ़ाता हूं, है ना, इससे 4 गुना ज्यादा अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड पीएमटी आईआईटी 17 साल से केमिस्ट्री का धुरंधर हूं मैं। लेकिन जब एग्रीकल्चर में हमारे भर्ती आने लगी और मैं वेटनरी डॉक्टर था तो निर्मल सर ने भी कहा कि सर आप वेटनरी में थोड़ा सा ट्राई करो अच्छे से, और हमने वेटनरी में भी काफ़ी बहस लगाए। लेकिन हमने कहा चलो यार एक अलग चैनल हो जिसमें बच्चा पशुपालन को एग्रीकल्चर को पढ़ सके, क्योंकि मेन चैनल पे भीड़ थी। तो हमने आज से लगभग साल डेढ़ साल पहले एक छोटा सा बीज बोया था यूट्यूब पे, है ना, आज वो बीज है काफ़ी अच्छा वृक्ष बन गया, आप लोगों का प्यार है, एक बार दिखाना, है ना। आज की तारीख में सब्सक्राइबर जो है आप लोगों के प्यार की वजह से वो 1,99,863 पहुंच चुके हैं, और मैं चाहूंगा इसी कक्षा में ये इतिहास 2 लाख का हो जाए। क्यों? क्योंकि ये मेहनत तो दिल से हुई है, है ना। तो जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो अभी मुझे गिफ्ट देवे हाथों हाथी में यहां पर, है ना, आपके सामने, है ना, यहां स्क्रीन पर 2 लाख करना चाहता हूं, है ना। यदि मैंने मेहनत की है तो आप लोगों का प्यार एक स्नेह होगा। अभी स्क्रीन पे मैं आपके सामने 2 लाख का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा आपसे ही पार करवाना चाहता हूं, और आज शाम को उसका सेलिब्रेशन करूंगा और कमिटमेंट करता हूं, पूरा जबरदस्त कोर्स कराऊंगा। तो फटाफट जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया है तुरंत करके 899,864 ये लो, मैं आपका वीडियो बनाता हूं, इसको अपलोड करता हूं, ठीक है। तुरंत एक माहौल होना चाहिए जोरदार वाला, ठीक है, माहौल होना चाहिए जोरदार वाला, ठीक है, और इस माहौल में देखते हैं क्या ये करिश्मा होता है क्या, ठीक है। तो लेट बी इंट्रोड्यूस, लेट बी इंक्रीज द नंबर ऑफ 1,99,865, ठीक है, 869, क्विक 2 लाख का आंकड़ा, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। तो पिछले 1 घंटे से, ठीक है, जो मेहनत चली है ऐसी मेहनत और जबरदस्त हो, तो अभी देखते हैं हाथों हाथी आप वो जादू आंकड़ा पार करते ही नहीं करते हैं। 1,99,870 30 क्या बड़ी बात है, 900,000 बच्चा भी जुड़े हुए हैं, और 30 क्या बड़ी बात है जिसके सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, अभी तुरंत वो 2 लाख का आंकड़ा खटाखट पहुंचाएंगे, और ऐसा आज तक हुआ नहीं है। ये 71 है, काउंट डाउन चलना चाहिए सर, क्या 200 बात कर, अभी आपको तुरंत हम यहां पे करके देते हैं 2 लाख, और उसके बाद देखना मेरा रुद्र अवतार, आज से नहीं कल से नहीं तुरंत हम इसको लेने वाले हैं। ये लो मैं आपको वो भी बता देता हूं जो आंकड़ा था, और लाइव में भी बता दूंगा आंकड़ा जो है, ठीक है। ये आंकड़ा यहां पर जो था 1,99,731, अभी ये आंकड़ा जो है पहुंच रहा है 1,99,000, ठीक है, 875 हुआ है 2576, ठीक है, तुरंत इसको 2 लाख का अभी पहुंचाना है। ये आपका मेरे को गिफ्ट होगा, सुबह सुबह का गिफ्ट होगा, एक नया गिफ्ट होगा। 878
79, 80 फटाफट 2 लाख इस क्लास को खत्म होते होते मुझे चाहिए, और अभी तुरंत हो जाए तो भाई साहब मैं एक नई घोषणा, एक नया कमिटमेंट पशु परिचर पशुपालन में करके जाने वाला हूं। आज अभी इसी वक्त इसी क्लास में मैं चाह रहा हूं ये जो 99 का आंकड़ा खत्म हो, ठीक है। तो लगेगा 1 मिनट, मैं 1 घंटा देने को तैयार हूं, है ना, 1 मैराथन देने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये आंकड़ा मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने पूरा होते अभी देखना है तुरंत। क्या गिफ्ट देने को तैयार हो गया? हाँ, ऐतिहासिक पल बनाने के तैयार हो गया। हाँ, 884, ठीक है, 875 से 886, लेट बी कंटिन्यूस, लेट बी ग्रो, 887, ठीक है। ऐसा पहली बार हुआ, मैंने कभी नहीं बोला सब्सक्राइब करने का, ध्यान रखना, मैंने एक ही बोला है शेयर करने का, लेकिन आज बोल रहा हूं क्योंकि आज कुछ एक इतिहास आप मेरे साथ अभी तुरंत कर सकते। 889, ठीक है, कंटिन्यूस बी ग्रोइंग, इतनी सी पावर नहीं क्या? 88, 90, 90s, ठीक है, मतलब ऐसा एक नयापन, एक शुरुआत, एक जोश, एक जुनून जो है आपको अभी मुझे बताना है। और क्लास होते होते मैं इस आंकड़े को वापस देखूंगा और मुझे ये आंकड़ा जो है 2 लाख पे दिखना चाहिए, और पूरे एक पूरे पशु मेले जो है आपको याद मैं कराने वाला हूं, ठीक है। तो लेट बी स्टार्ट द 2 लाख सीरीज, काउंटडाउन विल बी स्टार्ट, एंड अंटिल द लास्ट ऑफ क्लास यू हैव टू मस्ट गो टू 2 लाख, ठीक है। चलो वापस दिखाओ, ये आंकड़ा चलता रहेगा, तो ये आंकड़ा अभी आपको चलाना है। इसके लिए आपके लिए उत्कर्ष ने दिल खोलकर, ये देखो पशु परिचय किताब, आत्मा संजोई इस किताब में, इस किताब को जो देखेगा ना, जिसको पशुपालन से कोई मतलब नहीं है, कल ये किताब देखी थी यहां पे, एक गेस्ट थे हमारे जो डिप्टी SPC रिटायर्ड, उन्होंने देखी थी और उन्होंने खुदने का बहुत शानदार किताब लिखी डॉक्टर साहब। तो मैंने कहा यह बच्चों के लिए मेरा प्यार है, इसमें ट्रिक्स है, टेक्निक्स है, और इसके अंदर एक एक चीज की ऑथेंटिसिटी है। मैं आपको दिल से बताऊं, कसम खा के, इसमें मैंने बहुत मेहनत की है और बहुत इसके अंदर मैंने टेक्निक्स डाली है, ट्रिक्स डाली है। तो आप सबको इस बुक्स का भी उपयोग करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं इस बुक्स को पैसों के लिए खरीदो, इस बुक्स को आप खरीदो किसके लिए? कंटेंट्स के लिए। इसमें ट्रिक्स है, टेक्निक है, और हिंदुस्तान की कोई किताब में इतनी ट्रिक्स टेक्निक बजाय तो मैं आपको पूरे पैसे वापस दूंगा, ठीक है। बुक ऑलमोस्ट मार्केट में बुक सेलर पे आ गई है, और ये लो उत्कर्ष ने धमाका कर दिया आपके लिए, है ना, जो 3,000 3,500 में चल रहा था वो कोर्स 2,000 में। जयपुर से स्टार्ट है, जोधपुर से स्टार्ट है, खजाना बैच ऑफलाइन बैच 21 तारीख को स्टार्ट है। जिस दिन फॉर्म भरना चालू करेंगे उसी दिन शुभ नाम लेकर, है ना, अपन इसको करने वाले हैं। और ये अब आएंगे पशु मेला, अभी तो बाकी है, अभी तो बाकी है, है ना। हाँ चलो अब आते हैं, जस लिया भरत जी ने, अब है कौन सा गोमती होगी? हाँ, जगो शिवराम, शिव जी का लेते हैं, जगो शिवराम, जगो जगो शिवराम, जगो महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला। शिव जी का है काले हैं, शिव जी का है काले हैं, शिव जी का है काले हैं, इसलिए शिव जी कहां बैठे हैं? करौली में। कृष्ण मामा आ गया, मामा करौली में बैठे हैं। अब सुनना, शिव जी करौली है, अब सुनो, शिवजी का है काले हैं, और शिवजी फास्ट फास्ट चलते हैं, सुनना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी क्या है, है ना, ब्रह्मा जी क्या है, वो थोड़े धीरे चलते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन शिवजी की बॉडी देखी होगी तिगड़ी। शिवजी क्या चलते हैं? फास्ट चलते हैं, शिवजी फास्ट चलते हैं, शिवजी फास्ट चलते हैं, फास्ट में फागुन, शिवजी फास्ट चलते हैं, फास्ट में फाल्गुन। तो शिवजी कहां आते हैं? फाल्गुन में। शिवजी कहां आते हैं? फाल्गुन में। शिवजी फास्ट चलते हैं, शिवजी सेकेंड वीक आते हैं, फर्स्ट वीक नहीं आते, शिवजी कब आते हैं? सेकेंड वीक आते हैं। तो शिवजी है फाल्गुन में, फाल्गुन में कौन से? कृष्ण में, ठीक है, सप्तमी से चतुर्दशी तक, 7 दिन तक रहते हैं। और करौली है वो कहां से टच है? हरियाणा से है, तो इसमें हरियाणवी पशु ज्यादा आते हैं, इसमें हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं, ठीक है, हरियाणवी नस्ल के पशु ज्यादा आते हैं। सुनो ढंग से, शिवजी काले हैं कृष्ण वक्ष से, इसलिए करौली में बैठे हैं, शिवजी काले हैं इसलिए करौली में बैठे हैं, शिवजी काले हैं इसलिए करौली में बैठे हैं, शिवजी गोरे काले, हां काले, इसलिए कृष्ण पक्ष में भी आते हैं। शिवजी और कौन से वाले? शिवजी और कौन से वाले? मल्लीनाथ मामा, कृष्ण मामा, ये दोनों के दोनों श्यामवर्ण आते हैं। शिवजी काले हैं इसलिए कृष्ण पक्ष में आते हैं, काले बैठे हैं, शिवजी फास्ट चलते हैं, फाल्गुन फास्ट,
शिव जी फास्ट चलते हैं, फाल्गुन पास्ट है ना, और सेकेंड वीक आते हैं, फर्स्ट वीक ब्रह्मा जी आते हैं 1 से 7 दिन और सेकेंड वीक 7 से 14 तक शिव जी आते हैं, इसलिए इसको देख लो और याद कर लो फटाफट। तो देखो ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी आते हैं पहले, ब्रह्मा जी आते हैं पहले, ब्रह्मा जी आते हैं पहले, और सेकेंड वीक पे कौन आते हैं, शिव जी आते हैं, सेकेंड पे कौन आते हैं, शिव जी आते हैं, है ना। हाँ 1,99,916 मतलब 80 पीछे 80 और बाकी है। फटाफट एक बार सभी जने शेयर कर दो और जितने बच्चे जुड़े हैं वही सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, वही 2 लाख आपके सामने यहां पे चलाते हैं अभी, ठीक है। जगो शिवराम जगो। अब बचे कौन से, लास्ट रामदेव जी, एक पशु मेला बचा है भैया, और मैं चाहता हूं इस पशु मेला में रामदेव जी, शिव जी, गोगा जी, तेजो जी सबकी जयकारा बोले अपन, और जयकारा बोलेंगे किससे, 2 लाख से, 2 लाख से, और 2 लाख पे मैं करूंगा एक बढ़िया घोषणा यहां पे अभी, ठीक है, जोरदार वाले। रामदेव जी, अब रामदेव जी कहां है, रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए, रामदेव जी की मां, जैसे मेरी भी माता जी को मेरे से बड़ी शिकायत है, वो इस वीडियो को देखे तो कहेगी सही है ना, पिछले लगभग दीपावली के बाद घर ही नहीं जा पाते यार, है ना, क्लास से ये ड्यूटी, तो माता जी कहे संक्रांति पे आएगा ना बेटा, मैंने कहा हाँ मां आऊंगा, लेकिन संक्रांति पे भी आज इतने काम है, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगा, सारे काम धंधे छोड़कर मेरी मां के पास जाऊंगा, ठीक है, और है ना मां को मनाऊंगा और मां को प्रणाम कर बोला मां काम तो बहुत है, धंधा बहुत है, मेरे प्यारे विद्यार्थी जो है मेरी राह देख रहे हैं उनकी नौकरी का सवाल है, लेकिन जिस दिन पशु परिचर पूरी होगी उस दिन मैं मां के साथ आराम से 3-4 दिन रुक के उनकी सेवा करूंगा और उनसे आशीर्वाद लूंगा, लेकिन उससे पहले पशु परिचर में धूम मचाऊंगा और जितना बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेड है, चाहे वो ऐप में हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे यूट्यूब हो, है ना, अभी 2 लाख के आंकड़े पर घोषणा करने वाला हूं जबरदस्त, उनके लिए मैं क्या गिफ्ट लाने वाला हूं, 1,99,928 बहुत बाकी है, तुरंत 2 लाख का आंकड़ा तुम्हें याद दिखाऊंगा अभी, है ना। रामदेव पशु मेला जो है, रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए, मानासर कहां है, मानासर कहां है, नागौर में है, नागौर में है, तो नागौरी पशु आएंगे इसमें, इसमें कौन सा आएंगे, नागौरी पशु आएंगे, तो इसमें नागौरी नस्ल के पशु आते हैं, ठीक है। हां मां ने मानासर है, उसके बाद बताओ ये कब सुनता है, ये माघ शुक्ल, माघ शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक बढ़ता है, एकल से पूर्णिमा तक बढ़ता है, एकल से पूर्णिमा तक बढ़ता है, 15 दिन तक बढ़ना है। तो रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए, रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए, रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए, रामदेव जी मां को मनाने मानासर गए। अभी काउंटडाउन दिखाऊंगा, 1,99,931 मात्र 70 का आंकड़ा बाकी है, तो जब तक पशु मेले खत्म हो यहां पर जबरदस्त वाला वीडियो मैं बना के यूट्यूब पर आपके सामने पोस्ट करने वाला हूं, और वो वीडियो है ना एक ऐतिहासिक वीडियो होगा, जैसे ही 2 लाख होता है जबरदस्त घोषणा, यानी कि 45 पशुपालन के साथ 15-20 और क्वेश्चन की घोषणा यहां पर होगी, और पूरी जी जान लगा जाए, और ये 2 लाख का आंकड़ा 5 लाख तक ले जाना है मुझे इसी भर्ती के अंदर, और एक नया गिफ्ट देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, क्योंकि उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है, तो आपका गिफ्ट अभी मिल जाएगा, और आपका गिफ्ट भी अभी घोषणा होने वाली है, 1,99,935 का आंकड़ा दूर है, मात्र 65, ठीक है। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभा सब अपने है ना सब्सक्राइब करो, और जितने बच्चे जितने भी है उनको भी बोलो ताकि ये आंकड़ा आपको दिखाऊं बोर्ड पर, जैसे वो दिखता ना ऐसे, हाँ यहां पर दिखाया जाएगा 2 लाख का आंकड़ा अभी जैसे, लेकिन अभी 65 दूर है, तो भैया ऐसे नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है, वो 99 पे हो तो 99 से 1 पे मैं दिखाने वाला हूं, जब तक मैं इस पशु मेलों के शानदार ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो रामदेव जी ये लो साहब, ये पशु मेले में पूरे, लेकिन अब इस पशु मेलों के अंदर जो है, हाँ मात्र 60 दूर है, 1,99,940, हाँ सुनो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग कहां से की थी, पूरा एकदम शुरू से लेके आते हैं, ये लो अब ये टेबल आपके दिलो दिमाग में, ये टेबल गूंजने वाली है आपके पूरे में, ये टेबल गूंजने वाली है एग्जाम में, आपको मेरा ये शब्द याद आएगा, गुरुजी हां ऐसे बोला था, ठीक है। हां तो शब्द क्या है बोलो फटाफट, बलदेव, जिसमें बल होता है, जिसमें बल होता है उसको मैं आ जाती है, जिसको बल होता है उसको मैं आ जाती है, और वो है ना चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम,
चैत्र शुक्ल एकम से, ठीक है, और पूर्णिमा तक है। और मल्लिनाथ इसके जस्ट 10 बढ़ा दो तो बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में क्या किए, बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े। और वहां पर ये एक है, ये 11 है, ये एक है 11 है, 10 का आंकड़ा है। तो चैत्र में बम फोड़े, चैत्र में बम फोड़े, चैत्र में, यही अगले 10 मिनट तक लगातार बोलना है आपको, लगातार बोलना है, ठीक है। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है पहले करो, ताकि वो भी आंकड़ापन कर सके। हाँ ठीक है, वापस आओ फटाफट, जिसने भी नहीं किया वो करें। तो ये है बम, ये है पशुपालन का बम जो मैं फोड़ने जा रहा हूं अभी। चैत्र में बम, बम कब फोड़े चैत्र में, बम कब फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में। बल आ गया मैं मल्लीनाथ तल्लीनाथ, मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली, मल्ली तल्ली, मल्ली बाबा, मल्ली बाबा, बाबा बालोतरा है, दूसरा बाड़मेर है, है ना, 50 दूर है, आंकड़ा 50 है, बस अगले 10 मिनट में यह आंकड़ा 50 होना चाहिए, ठीक है। मल्ली बाबा, मल्ली बाबा, बा से क्या है बालोतरा बाड़मेर, और वहां क्या कहते हैं कथा कहते हैं, कथा से क्या है कॉन्क्रेज और थार पारकर। आज मैं जाने वाला नहीं हूं, भले भाई साहब कुछ भी हो जाए, आज मैं जाने वाला नहीं हूं 2 लाख के बिना, यहां पे बोलता रहूंगा, मेरे पास पशुपालन का भंडारा है, पूरा भंडारा खोल दूंगा, ठीक है। हाँ तो बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में, बम फोड़े चैत्र में, बल किस में है, और मल्ली तल्ली बाबा, बाबा क्या कहते हैं कथा कहते हैं, क्या दोनों याद चकाचक याद, अरे बोलो, हाँ सब चकाचक याद हो गया है ना। हाँ लगता गिफ्ट मिलने वाला मुश्किल है भैया, है हाँ 50 तो हो गया, चलो 50 का आंकड़ा मुझे अभी का अभी तुरंत। ये देखो जैसे आपकी आत्मा खुश होती है ना अंदर से, जब आपको ऐसे कंटेंट मिलते हैं, है ना, तो हमें भी कभी कभी खुशी दिया करो, हमें भी लगे यार कि हमारा विद्यार्थी हमारे साथ है। मात्र 50 जने तो यहां पे है, 900,000 तो क्या 50 कटाकट ये करो, बोर्ड पे दिखाता हूं, बोर्ड पे दिखा देंगे क्या, बोर्ड पॉसिबल है क्या, बोर्ड पे दिखाएंगे यदि आप ये करोगे तो, है ना, नया आंकड़ा, नहीं तो वहां तो दिखाना ही है। चलिए अब आते हैं ये दोनों, अब ट्रिक्स और टेक्निक आपके साथ है, आ जाओ। गोमती आगे, गोमती, गोमती चंद्र के साथ भागी, गोमती चंद्र के साथ भागी, गोमती चंद्र के साथ भागी, क्या करके, झाला करके, क्या लेके भागी, माल लेके, देखना वर्ड बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं वर्ड बोल रहे हैं, गोमती झाला करके माल लेके चंद्र के साथ भागी, गोमती झाला करके माल लेके चंद्र के साथ भागी, गोमती भागते भागते गिर गई, खड़ी हो गई, तो वैसाखी पे भागी, किस पे भागी, वैसाखी पे, तो वैसाखी पे भागी, और फिर उसको चंद्र ने क्या बोला, तेरे रे काले रे 5 जेट। अब सुनना, देखो करेक्शन निकालने की स्थिति में आ गए, अब तो शुक्ल में क्या आएगा कृष्ण, क्योंकि काले जेठ है, गोरे नहीं है, गोमती गोरी है, जेठ काले हैं, जेठ कैसे हैं, काले हैं, तो गोमती काल जोग, हाँ तो वैसा की पे शुक्ल, गोमती गोरी है, वैसा की चलती है, तेरे रे जेठ रे पाले 5 है, तेरे रे जेठ रे काले रे 5 है, सुनना ना। हाँ चलो, घोगा मेड़ी, घोगा मेड़ी, घोगा मेड़ी, हाँ घोगा मेड़ी जो है, घोगा मेड़ी कहाँ है, घोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में है, सबको पता है घोगा मेड़ी कहाँ है, नोहर हनुमानगढ़ कल्चर पढ़ा रहे, ये मान लो जीके है, ये मान लो जीके है, तो घोगा मेड़ी है नोहर हनुमानगढ़ में है, घोगा मेड़ी है नोहर हनुमानगढ़ में है, और सारे पशु आते हैं, आज मैं जाने वाला नहीं हूं, 56 मात्र 40 ही नहीं है, कितने हैं 30-35 हाँ 30-35 है फटाफट। हाँ और आ जाओ इधर, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भादवा शुक्ल पूर्णिमा तक है, गोल गोल लड्डू, गोल गोल पूनम से पूनम, फटाफट बताओ ट्रिक क्या है, गो गो जी, गो गो जी, गोल 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 गोल। कई बच्चे बोलते हैं सर आपका स्टूडियो दिखाओ, आप कहां से पढ़ाते हो, है ना, तो बिल्कुल अब स्टूडियो ऐसे थोड़ी दिखाए जाते, कुछ खुशी के पल भी दिखाए जाते हैं, तो अभी खुशी का पल जैसे ही 2 लाख का होगा तो मैं यहां पे पूरा मेरा स्टूडियो का वीडियो बना के आज ही पोस्ट करने वाला हूं, 2 लाख की कैसे शुरुआत वो हुई है अचीवमेंट,
ठीक है, लेकिन ये गिफ्ट मिले तो हो अगले 5-7 मिनट में, जब तक परसों मिले खत्म हो, ठीक है। ये गिफ्ट मिलते ही पूरा आपको मैं दिखाऊंगा कैसे मैं पढ़ाता हूं, कैसे मेरे सामने आप कमेंट बॉक्स में टीवी में दिखते हो, आपके नाम दिखते हैं, कैसा कंप्यूटर है, कैसा सब कुछ अरेंजमेंट है ना, और 2 लाख पे, ठीक है। तो 1,99,958 मेरे सामने दिख रहे हैं अभी मुझे, और मात्र 42 का आंकड़ा दूर है। तो 2,42,000 बहुत कम आंकड़ा है, खत्म होते होते यह आंकड़ा पार होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो गोल 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 क्या है, पूनम से पूनम है, गोल गोल क्या है, पूनम से पूनम है, हरियाणवी है, इसमें पशु आते हैं, गोल गोल पूर्णिमा से पूर्णिमा तक है, ठीक है। हाँ हो गया सर, हाँ चलो 961,062 काउंटडाउन स्टार्ट, 10 पशु मिले हैं, जब तक 50 तक पहुंच जाओ तो फटाफट आ जाओ। भैया तेजा जी बोल दो एक बार जयकारा, जितने यहां पे मेरे भाई लोग हैं जो तेजा जी को मानते हैं, जय तेजा जी की बोल के जयकारे के साथ ही 2 लाख पूरे करते हैं, जय तेजा जी महाराज की बोल के पूरा करते हैं 70, मात्र 30 का आंकड़ा दूर है, तेजा जी की जय बोल के पूरा करते हैं फटाफट। तेजा जी पशु मिला कहां पर है, पर्वत सर नागौर में, तेजा जी का नाम लेके लोग एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, तो पर्वत क्या चीज है ना, पर्वत पे चढ़े, अब सुनना, तेजा जी तेज तेज पर्वत पे चढ़े और वहां से नाडी के अंदर बढ़िया छलांग लगाई, भाई साहब नाडी में कूद, नागो डीडवाणा कुचावण नाडी में कूद। और ये कब है, गोगो जी तो पूनम से पूनम रहते हैं, लेकिन ये बोले मैं 15 दिन रहूंगा, ये पूनम से अमावस्या तक रहते हैं, पूनम से अमावस्या, तो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा से भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक रहता है, तो ये रहता है कहां से, पूनम से अमावस्या तक, मात्र 30 का आंकड़ा दूर है, ये लोग 29 का, ठीक है। हां जसवंत जस लिया भरत जी ने, जस लिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों ने, मेरे दिल को जीत लिया है, मात्र 25 का आंकड़ा दूर है, ठीक है। हाँ एक मोटिवेट कर दें, जबरदस्त मोटिवेट कर दूंगा, जबरदस्त कंटेंट दे दूंगा और 2 लाख पे जबरदस्त एक घोषणा भी कर दूंगा, ये लो तुम्हारे 65 से 70 क्वेश्चन मैं अकेला लेके चल सकता हूं, सही करवा सकता हूं 150 में से, ठीक है। हाँ तो बताओ जस लिया भरत जी ने, ठीक है, जस लिया भरत जी ने, और भरतपुर में क्या है, हरियाणा टच है, ठीक है। अब जस लिया भरत जी ने, भरतपुर में कितने शब्द है पांच, ठीक है, भरतपुर में कितने शब्द है पांच, ठीक है, पांच के 2 टुकड़े करो, 1 और 4 का मतलब क्या है, चतुर्दशी, ये देखो अश्विन शुक्ल पंचमी से अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक, ये लो साहब मात्र 25 दूर है, ये लो, ठीक है। मैं चाह रहा हूं इसी क्लास में हो तो तुम्हारा नाम रह जाएगा, ये लो 76, अब तो 22 दूर है, ठीक है। हाँ तो इसको देखो ढंग से, जब तक मैं भी थोड़ा वीडियो की तैयारी कर लेता हूं ताकि आपका एक ऐतिहासिक पल मैं मेरे साथ कैच कर सकूं, एक बार थोड़ा सा रेस्ट देता हूं आपको भी मेरे को भी, और ये 2 लाख का वीडियो अभी बनवाता हूं, ठीक है। हाँ मात्र 20 दूर है सभी जने, जब तक ये काम कर दो। ठीक है भाई, ये लो साहब पीछे सी 15 का आंकड़ा दूर है, फटाफट 15 मुझे इसी क्लास में यहां होना चाहिए यहीं पे, और अभी वीडियो शूट करवाता हूं मैं आपको और दिखाता हूं, बताओ। तो जस लिया भरत जी ने और भरत जी क्या लेके गए अश्व, और भरतपुर में कितने शब्द है पांच है। अरे भरतपुर वालों, अब तो तुम्हारी भजन सरकार है जिन्होंने तुम्हारा आधार कार्ड से लिंक करके पहले ही तुम्हारी भर्ती को जोरदार कर दिया है, और भी नकेल कसी है तो वो नौकरी देने के लिए तैयार है, हम पढ़ाने के लिए तैयार है, तुम्हारा जोश तैयार है, सुबह सुबह का समय है, और ये आंकड़ा जो है मात्र 10 दूर है, तुरंत यहां पे कर दें। ये लो साहब ये कार्तिक पशु मिला, ये 10वां पशु मिला, खत्म होते होते 2 लाख का आंकड़ा होना चाहिए, लो
कार्तिक ने क्या बोला, 7 दिन टाइम नहीं मैया, 7 दिन टाइम नहीं है, ठीक है। पुष्कर अजमेर वहां कुंड में गिरी और 8वें दिन से द्वितीया तक, 8वें दिन से द्वितीया तक है ना ये गई है। और चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला जो है, चंद्रभागा पशु मेला जो है, चंद्रभागा गोमती को लेकर और माल लेके, ठीक है, इन दोनों में ध्यान रखना, उसमें 3 का अंतर था। तो काच, काच में क्या था, कार्तिक, कार्तिक में क्या था, कार्तिक क्या था, 8 से 3 आगे है ये, यहां पर 8 से 3 आगे, 1,99,995,996। अभी आपके सामने एक जादुई आंकड़ा होने वाला है, ठीक है। लेट बी स्टार्ट द काउंटडाउन, शुरू कर, वापस कर, बंद कर दे, अब चलो कर, जल्द चलो। उत्कर्ष एग्रीकल्चर का जो हमने बीज बोया था, आज वो 1,99,999 से 2 लाख होने वाला है आपके जस्ट सामने, दिखाइए फटाफट यहां पर, 1,99,999 से ये आंकड़ा, जादू आंकड़ा इतिहास में 2 लाख में दर्ज होने वाला है, जिसमें सुबह 6 बजे यहां पे ना कक्षाएं दी गई और पशु परिचर में ये लीजिए 2 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है हमारे प्यारे विद्यार्थियों को, मेरी तरफ सैल्यूट है। उत्कर्ष एग्रीकल्चर का परिवार 2 लाख का हो चुका है और इसी 2 लाख के साथ आज घोषणा की आती है कि आपको पशु परिचर्या YouTube पे पूरा कोर्स करवाया जाएगा और इसी एनर्जी, इसी सिद्धांत, इसी ट्रिक, इसी टेक्निक के साथ बढ़ा जाएगा और इसी बढ़ती-बढ़ती में पूरे 5,934 पद के जितने बच्चे हैं उनको उत्कर्ष यानी मैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह पढ़ाऊंगा और पूरा इसी तरह से पशु मेले याद कराऊंगा और पूरे पशु मेलों के साथ पूरी एनिमल हस्बेंड्री और पूरे टेक्निक लाने वाला, अब पूरा स्टूडियो आपको दिखाया जाएगा किस प्रकार से कहा है। ये देखिए, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारे बोर्ड के साथ सिटिंग्स है, ये हम इधर ये यहां पर ये पीसीज है, यहां आपके सामने कमेंट बॉक्स आते हैं और इस प्रकार से हमने पूरा डेकोरम तैयार कर रखा है। बस आप ही की देन है, आप ही के लिए, आप ही को दिल से सैल्यूट है और आप ही के लिए एक शेरो शायरी है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे पशु परिचर, तेरी नौकरी भी आएगी और नौकरी करने का मजा भी आएगा। सभी को बहुत बहुत दिल की गहरा से धन्यवाद है और अभी तुरंत 2 लाख के साथ ही 2,11,011 तक आंकड़ा पहुंच चुका है और यह आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहे, यह परिवार ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसी मेरी सबको शुभकामनाएं, साधुवाद है और जुड़े तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से बहुत बहुत ऑल द बेस्ट है, सैल्यूट है ना। अब यहां पर ये पशु मेले जो है, इनके क्वेश्चन करेंगे कल और कल से इस पर और नकेल कसने वाले, ये 8 के बाद आ जाओ 9 और 10। रामदेव जी मजा आ गया यार, वास्तव में तुमने दिल खुश कर दिया, अब मैं तुम्हारा दिल खुश करूंगा अगले है ना तक, मतलब तुरंत तुमने जो कहा उसको किया। अभी एक क्लास में 150-200 सब्सक्राइबर यदि बढ़े हैं तो भाई साहब आपको और मैं क्या बोलूं यार। अब जब घोषणा की बात हुई ना, इसके साथ मुझे केमिस्ट्री बायो भी अच्छी आती है, साइंस भी ठीक आती है, तो डायरेक्टली देखो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा लेकिन इनडायरेक्टली आपकी ट्रिकों से बहुत हेल्प करूंगा, ठीक है। मैं साइंस में भी केमिस्ट्री बायो का आपके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा, हालांकि उसकी क्लास लग चुकी है, हमारे जो फैकल्टी है मैडम है उनकी क्लास लग चुकी है, लेकिन उसके अलावा मुझे भी कुछ ट्रिक्स टेक्निक आती है। तो हमारा पूरा उत्कर्ष परिवार जो भी एक्सपर्ट है ना वो आपके साथ जुड़ेगा और उस एक्सपर्ट्स को, ठीक है, हम उतारेंगे चाहे कोई भी, और मैं भी आपके साथ लगा रहूंगा और ये 1 के का आंकड़ा भी पूरा कर दिया है, सैल्यूट है। आज तो तुमने जी खुश कर दिया और मैंने भी शायद आपका जी खुश किया होगा, आज सारी कक्षाएं मकर संक्रांति के दिन बंद करके आपके साथ पिछले 1 घंटे 22 मिनट और 28 से वो चीज देने वाले जिससे क्वेश्चन पड़ेगा, क्योंकि एक पशु मेला यूनिट पूरी हुई है, इस यूनिट पे है, ठीक है। हां फिर शिवजी जो है काले हैं, शिवजी काले हैं इसलिए शिवजी फास्ट फास्ट चलते हैं, सेकेंड वीक आते हैं, शिवजी फास्ट फास्ट चलते हैं, सेकेंड वीक आते हैं। और ये लो साहब, ये पूरे पशु मिले खत्म और इसी के साथ ये लो उत्कर्ष का और खजाना आपके लिए खोल दिया गया है, उत्कर्ष का खजाना खोल दिया गया, न्यू ऑनलाइन कोर्सेज है, मात्र 2000 में कर दिया, लेकिन ये यानी कि आज 14 तारीख के 7 दिन में ऑफलाइन ऑनलाइन जो आपको लेना है तुरंत जुड़ जाना, इसी शेर की दहाड़ के साथ आगाज करेंगे और इसी शेर की दहाड़ के साथ इस सिलेक्शन लाएंगे, इसी के साथ ही आपके जो है ये लो किताब भी आपके बहुत तेजी से, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, हालांकि पॉसिबल नहीं कल दिखाऊंगा, हमारी टीम रात को 2 बजे तक काम कर रही है। आप कह रहे हो ना हमारी बुक नहीं आ रही है ना, जो बुक है वो बुक आप देखोगे ना आनंद आ जाएगा। ये इस प्रकार की बुक पृष्ठ परीक्षक की थी, ऐसी है ऐसी बुक आपके छापी है, ऐसे कलरफुल प्रिंट, ये देखो पहले स्टार्टिंग से कलर और उसके साथ इस तरह से कलरफुल, ये देखो गाय साईवाल एकदम गिर एकदम ट्रिक्स है ना, एक एक गाय के कलरफुल फोटोज है,
आप मुझे बता देना ऐसी कोई बुक हो। चलो कलरफुल फोटो तो और लेंगे, ट्रिक्स कहां से लाएंगे, टेक्निक कहां से लाएंगे, और साइंस में पशुपालन का तड़का कहां से लाएंगे, वो तड़का लगाऊंगा मैं रोज। इसी प्रकार से ये प्रत्येक गाय को एक नहीं दो नहीं पन्ना, आप देखिए यहां पे इस तरह से एनसीईआरटी का पेज लिया गया है। ये पूरी बुक आपके पशु परिचर की तैयार, ऐसे कैसी ऐसी चार किताबें मैं लिख चुका हूं पिछले 17 साल से, जो एक्सपीरियंस हमने बटोरा है वो आपके लुटाने वाले हैं। रोज अब कक्षा जो है 6 बजे के 6:15 से चालू करेंगे, रोज 6:15 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे मैं आपकी सेवा करने आपके साथ समय बिताना होगा। तो आज की कक्षा यही करते हैं खत्म, कल इन्हीं के लाऊंगा क्वेश्चन पशु मेलों के। सभी जने इस क्लास को 2 बार देख लेना, और एक क्लास और डली हुई है जो भी आपने बहुत हिट की, 1,80,000 राजस्थान में सबसे ज्यादा पशु मेलों का जो वीडियो देखा गया है वो आपके गुरुजी का है, और ये भी उसी श्रेणी में आए है ना। बिल्कुल सभी को धन्यवाद, आप ही का चैनल, आप ही ने 2 लाख किया है, आप ही ने इसको 5 लाख और करना है, 10 लाख करना है, और हमारा हौसला बढ़ाना है, और हम आपका हौसला बढ़ाएंगे। मैं आपको एनिमल हस्बेंड्री और साइंस दोनों चकाचक कराऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। एक भी बंदा आपसे एनिमल हस्बेंड्री और साइंस में नहीं भिड़ेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल सुबह किसके साथ में, पशु मेलों के क्वेश्चन के साथ, देख लेना क्लास, और पशु मेलों में क्वेश्चन करेंगे 30। ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सब खैर।